Aksa?
अस्सलाम वालेकुम सर, कब स्टार्ट करेंगे क्लास?
सर सर अनम्यूट कर दें, आवाज नहीं आ रही आपकी। ओके हो गया, ठीक है जी। तो वो जो है ना उसके ऊपर दोबारा जाके देख लीजिएगा, क्या उस पर बाद में डिस्कशन कर दे। एक और किसी ने क्वेश्चन, वो बिल्कुल आपका भी हो गया ना, वो और है, दोनों चीजें डिफरेंट थी। तो उसका वैसे मैंने वो विदित पीरियड का भी उसकी प्रोनाउंसिएशन सुनी थी, तो वो वही आ रही थी, ठीक है। तो फिर मैंने आपको सेट कर दी। और किसी का कोई है क्वेश्चन तो वो पूछ सकता है, लेकिन आज जो हमने स्टार्ट करना है अगेन दोबारा से पाकिस्तान हिस्ट्री हमेशा से आपकी फिंगर टिप पे रहनी चाहिए, और ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। मैं बार बार बता रहा हूँ, जब आप एक सिस्टम के हिसाब चलेंगे, एक सिस्टमेटिक और साइंटिफिक अप्रोच होगी आपकी, आप बिल्कुल चीजों को बेसिक से लेके चलेंगे, तो इट्स नॉट मोर देन 15 और 20 डेज। एक ओवरव्यू आपका आ जाएगा, आप उसके ऊपर फाउंडेशन बिल्ड करना आसान हो जाएगा, ठीक है। तो 20-25 दिन के अंदर ये, और 20-25 दिन के अंदर फिर देन वो करेगा, तो डेफिनेटली ये चीजें जो है सम हो 35-40 दिन के अंदर हो सकती हैं। बाकी साथ साथ अपना लिखने वाला काम करते रहे, जो कुछ आपके दिमाग में है उसको पेपर पे जरूर लेके आए, और देन उससे आपके आइडियाज क्रिएट होते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ। क्वेश्चन को देखा जाए, देन क्वेश्चन को आइडेंटिफाई किया जाए, देन उसका आंसर लिखने की कोशिश करें अभी से, और चेक करवाए उनको, ठीक है। मैं अभी जो नए लोग हैं उनके लिए भी यही है कि वो अपना लिख के ले, चेक करवाए, उसके ऊपर उनको जो है वो फीडबैक मिलेगा कि वो कहाँ पे खड़े हैं, ठीक है। कहीं पे कुछ कुछ भी चीज लिख सकते हैं, अभी मैं क्वेश्चन भी दूंगा इन्हीं के ऊपर ही, तो वो इन चीजों के ऊपर लिखे, जब वो लिख के ले आएंगे तो पता चलेगा कि उनकी ग्रामर कहाँ पे खड़ी है, आईसीयू में है या थोड़ा एक अच्छी पोजीशन पे है, ठीक है। देन ग्रामर के बाद स्ट्रक्चर देखेंगे कि स्ट्रक्चर किस तरह का है, देन तीसरे नंबर पे देखेंगे कि इनकी जो लॉजिकल रीजनिंग है वो किस तरह करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन को किस तरह इंटरप्रेट करते हैं, और उसमें आर्गुमेंटेशन इनकी कितनी स्ट्रांग है, क्योंकि मैक्सिमम जो आंसर लिखने होते हैं आर्गुमेंटेटिव ही होते हैं, कमेंट करें, एनालाइज करें, एनालिसिस देकर दे हमें, ठीक है, डिस्कशन करें, ये वो चीजें जब होती है तो वो इससे भी ये चीज भी उनकी सामने आएगी कि ये कहाँ पे लाए कर रहे हैं। तो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता चीजें जो है वो इम्प्रूव होना शुरू हो जाएंगी। हमने स्टार्ट किया था 4000 BC से, जल्दी से क्विक ओवरव्यू ले लेते हैं। 4000 BC से स्टार्ट किया, पहले कोड डिजी का हमने डिस्कस किया, सिविलाइजेशन की, देन सेकंड में हमने इंडस सिविलाइजेशन को डिस्कस किया, इंडस के बाद फिर हमने आर्यंस को डिस्कस किया, आर्यंस में फिर दो उसने एक्सपेंशन देखी हमने हिंदुइज्म की, और हिंदुइज्म के बाद फिर जो है वैदिक पीरियड को थोड़ा डिस्कस किया, हिंदुइज्म के बाद जैनिज्म की बात की, जैनिज्म के बाद बुद्धिज्म की बात की, बुद्धिज्म के बाद, ठीक है, उसमें जो है उसके बाद अंपायर की तरफ चले गए, मौर्यन अंपायर, मौर्यन अंपायर के बाद देन एक्सपेंशन को देखा, अशोका को देखा, जाके देखा था किसी ने वो लाइन वाला, किसी ने नहीं देखा होगा, और चंद लोगों ने देखा होगा, ठीक है। तो वो लाइन स्ट्रक्चर जाके देखिएगा, तीनों का सिम्बॉलिक जो रिप्रेजेंटेशन है, हाँ जी, ऑफकोर्स उनका नेशनल एंथम में वही आता है सर, जाके देखिए जाओ, मैंने कहा शायद आगे थोड़ी सी रिसर्च ये खुद भी कर ले सारा, मैंने नहीं देखा ना, ठीक है। उसके बाद देन इंडस को, इंडस के बाद ये वाला मौर्यन, मौर्यन के बाद देन गुप्ता, और गुप्ता के बाद फिर हम किधर आ गए थे, इस्लामिक जो है, तो इस्लामिक में फिर हमने सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम को देखा, उसके बाद देन किस गौरी महमूद गजनवी को, महमूद गजनवी के बाद गौरी को, और देन गौरी के बाद हमने पूरा का पूरा कौन सा स्लेव डायनेस्टी को देखा, ठीक है, और स्लेव के बाद देन सेकंड कौन सा था खिलजी, और खिलजी के बाद तीसरा कौन सा है तुगलक, तुगलक के बाद सैयद, सैयद के बाद मुगल, और देन मुगल 1526 से लेके सैयद के बाद लोधी, लोधी के बाद मुगल, ठीक है, मुगल और मुगल देन 1857 से ब्रिटिश, और 1857 से 1947 तक का, और देन 1947 से लेके 1958 तक का डेकेड देखेंगे कि उसमें यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है, 1857 से लेके 1947 तक से दो क्वेश्चन पहले आते होते थे, आज तक एक आधा आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अब उसने थोड़ी रेशियो की कम कर दिया, लेकिन फिर भी दो आ जाते हैं, वो दो मैं आपको बताऊंगा कि किन किन एरिया से आते हैं। सेकेंड जो पोर्शन है वहां से 1947 से लेके 1958 तक, पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम्स है, अर्ली चैलेंजेस है, सारे के सारे इकोनॉमिक क्राइसिस है, यहाँ से एक क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ से हमेशा जो है अगर इस एरिया में से क्वेश्चन पूछे, यानी कि जो पोस्ट पार्टीशन है, तो वहां पे, यहाँ पे ये एरिया जो है थोड़ा हिटेड रहता है। उसके बाद देन 58 से 68 तक अयूब पीरियड, उसमें से कोई इतना ज्यादा क्वेश्चन कभी आया नहीं है डायरेक्ट, हाँ थोड़ा जनरल आइडिया होना चाहिए कि वहां पे किस तरह इकोनॉमिक रेवोल्यूशन, लैंड रिफॉर्म्स और पॉलिटिकल सिचुएशन क्या थी उसमें करती। देन सेकंड पोर्शन ये हो जाएगा, थर्ड उसमें फिर 1969 से लेके
71 तक का याया का जो पीरियड है, अगेन जहाँ से क्वेश्चन आता है, इस साल भी पीएमएस के अंदर ऐसे क्वेश्चन आया हुआ था इस वाले पोर्शन से कि पाकिस्तान का जो स्कूते ढाका है उसमें इंटरनेशनल जो थी वो कंट्रीज जो है उनका क्या रोल था, वो डायरेक्ट उसने वहीं से पिक किया हुआ था ये वाला। देन उसके बाद भुट्टो वाले पीरियड में से भी 71 से लेके 77 तक इतना खास नहीं आता। देन 77 से लेके 88 तक यहाँ पे ज्यादातर पूछी जाती है पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी विद रिगार्डिंग टू वो वॉर जो है इसके साथ, अफगान वॉर के साथ। देन उसके बाद 90 के बाद 88 के बाद 99 तक इसमें पहले आएगा कौन, बीबी, बीबी के बाद देन सेकंड पे फिर नवाज शरीफ, देन बीबी, देन नवाज शरीफ। देन उसके बाद 99 से लेकर 2008 तक मुशर्रफ पीरियड, और 2008 से लेकर 13 तक पीपी का, और देन 13 से लेकर 18 तक का नवाज शरीफ का, और देन 18 से लेकर 22 तक का इसका इमरान खान का, और देन अप्रैल 9 अप्रैल के बाद जो अभी करंट डेवलपमेंट चल रही है। इस तरह पूरा एक स्ट्रक्चर आपके पास रहेगा ये जो होगा। तो हम कहां तक आके रुके थे कल, खिलजी तक हमने कर लिया था, आज हमने स्टार्ट कर लिया को, और तुगलक के बाद हम डिस्कस करेंगे सैयद को, और सैयद के बाद हम करेंगे लोधी, और लोधी के बाद मुगल को। तुगलक खिलजी कहाँ पे रुके थे जी कल तक, 1320 तक, ये 1320 से लेके 1413 तक है। वो अब आप लिख लीजिए ना अपने नंबर, आपको इससे आगे देखते हैं। खिलजी में ये हुआ था कल मैंने बात की थी कि सबसे पहले कौन था, जलालुद्दीन खिलजी, और जलालुद्दीन के बाद कौन आ गया था, अलाउद्दीन खिलजी आ गया था, और अलाउद्दीन के बाद जो है अलाउद्दीन कौन आ गया था, मुबारक खिलजी आ गया था। मुबारक खिलजी जो है उसका एक बहुत ही क्लोज दोस्त था बल्कि खुसरू खान जो है, और ये जो है ना खुसरू खान ये हिंदू से कन्वर्ट हुआ था मुस्लिम में, और खुसरू खान ने क्या किया इसको मुबारक खिलजी को मार के ना खुद गवर्नमेंट जो है वो अपने हाथ में ले ली थी। ठीक है, तो यहाँ पे खुसरू खान का नाम आपने ज़हन में रखना है, ही वाज क्लोज टू मुबारक खिलजी, और मुबारक खिलजी को देन ये मार के क्या कर लेता है पावर अपने हाथ में ले लेता है। अब जब ये चीज होती है तो वो हिंदू से कन्वर्ट हुआ हुआ था, तो बहुत सारे जो मुस्लिम हैं उन्हें पहले भी डाउट था कि ये बंदा जो है इन फ्यूचर जो है ये मुसलमानों के राइट्स जो है उनको सैबोटेज करेगा। तो हुआ वैसा ही, उसने मस्जिदों को शहीद करवाना शुरू कर दिया और एंटी इस्लामिक मूवमेंट एक तरह से उसने स्टार्ट कर दी, और हर वो चीज जिसका ताल्लुक जो है इस्लामिक सिंबलिज्म से था या इस्लामिक रूल से था उसको उसने डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर दिया। तो उसके अगेंस्ट एक एग्रेशन प्रोड्यूस होता है मुस्लिम्स के दरमियान, और उन मुस्लिम में से एक और बंदा खड़ा होता है जो कि फाइट करता है किसके साथ, ये जो है खुसरू खान के साथ। उसका नाम जो है वो है सर खुसरू मलक ने, गाजी मलक ने उसको वैसे गयासुद्दीन तुगलक भी कहा जाता, उसने बाद में अपना नाम चेंज कर लिया था, गाजी मलक एक नाम है। उसने क्या किया, उसने वॉर की किसके साथ, खुसरू के साथ, और देन उसको हरा के गवर्नमेंट किसके हाथ में ले ली, अपने हाथ में ले ली, और उसने बुनियाद रख दी 1320 में किसकी, तुगलक डायनेस्टी की। समझ आ गई फिक्र नहीं, क्या नाम था उसका, गाजी मलिक है, और गाजी मलिक ने बाद में अपना नाम चेंज करके क्या रख दिया था, गयासुद्दीन तुगलक। तो ये पहला आ जाएगा यहाँ पे गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है जी,
चूंकि इसने कैंपेन स्टार्ट की थी फॉर मुस्लिम्स, तो अगेन इसने रिवाइव किया करवाया उन्हीं इस्लामिक टीचिंग्स को जो पहले उसने इनको क्या कर दिया था, सप्रेस कर दिया। गाजी मलिक भी इसका नाम साथ में लिख लीजिएगा। एक तो ये काम किया, साथ में इसने अगेन टैक्सेशन सिस्टम दोबारा से जो है रिवाइव करवाया। आप इधर आ जाएं फिर। चलो इधर आके बैठ। तुगलक का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है सब कॉन्टिनेंट में, और वो है इरिगेशन सिस्टम को लेके। ठीक है, अंग्रेजों से पहले इरिगेशन सिस्टम को अगर किसी बंदे ने रिवाइव करवाया था तो वो कौन थे, तुगलक ही थे। ठीक है, तो तुगलक के तीनों जो आएंगे वो सारे के सारे क्या करेंगे जी, इरिगेशन सिस्टम को बहुत डेवलप करेंगे। ठीक है जी, इरिगेशन सेक्टर जो है वो फिर ये बंद करते हैं तो इनका भी प्रॉब्लम आएगा जो ऑनलाइन बैठा है। इरिगेशन सेक्टर जो है इसको इन्होंने डेवलप करवाया, आदल किस्म का था, व्यासुद्दीन जो है ऑनेस्ट था, इतना कोई ज्यादा बुरा आदमी नहीं था, और जो है कभी कभी अगर बारिश नहीं होती तो टैक्स माफ भी कर देता था। ठीक है, तो ये नहीं था कि बिल्कुल जो है, क्योंकि ज्यादातर जो पैदावार होती थी वो बारिश के पानी पे डिपेंड करती थी इन रीजन के अंदर, तो अगर बारिश नहीं हो रही है, तहत साली आ गई है, तो टैक्सेशन क्या कर दिया जाए, माफ कर दिया जाए। और उसके अलावा इरिगेशन सेक्टर को डेवलप किया, रिवाइव करवाया इस्लामिक इंटेंशन को, रूल ऑफ लॉ को एस्टेब्लिश करवाया, इस तरह के ये काम करवा रहा था। अब ये अच्छे अच्छे काम करवा ही रहा था कि इसका बेटा जवान हो जाता है और वो कहता है कि अब अब्बा जी ने बहुत ज्यादा रूल कर दिया है, अब इन रेस्ट इन पीस जाना चाहिए, तो वो इसे असैसिनेट कर देता है। ठीक है, और उसका नाम क्या है, मोहम्मद बिन तुगलक। यहाँ से सारी आप देखेंगे कैसे प्रैक्टिस स्टार्ट हुआ। ये एम फॉर मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के तीन चार अच्छे अच्छे काम अगर आप लिखने, तो उसने भी थोड़े थोड़े अच्छे काम किए थे। पढ़ा लिखा इंसान था वैसे तो ये जाती तौर पे, लेकिन इसका एक प्रॉब्लम ये था कि जब भी ये कोई अच्छा काम शुरू करता था ना, तो वो इसके उल्टा पड़ जाता था। फॉर एग्जाम्पल, सबसे थोड़ा आइडियलिस्टिक टाइप का बंदा था। फॉर एग्जाम्पल, पहला इसने काम ये किया कि जो अपना कैपिटल था इसने वो दिल्ली से मूव कर दिया था दौलताबाद। ठीक है, और इसने मूव इसलिए किया था क्योंकि दिल्ली जो है, जब भी कोई इन्वेजन होती थी तो वो कहाँ से होती थी, अफगानिस्तान वाले बॉर्डर से होती थी, यानी कि इधर देखे मैप में तो वहां से अफगानिस्तान से ऊपर वाला जो काबुल जहाँ पे लिखा हुआ है, इधर से दर्रा खैबर वाला पोर्शन जो है उधर से अटैक हो रहा था। ऑफकोर्स जब उधर से अटैक हो रहा है
तो उसको जो है ये होता था कि सबसे पहले अटैक कहाँ पे होगा, दिल्ली पे होगा, तो न्यू दिल्ली जो है यहाँ पे अटैक करना आसान रहता था। तो उसने कहा कि इधर नॉर्थ से हम मूव कर देते हैं नीचे साउथ की तरफ, दौलताबाद नीचे की तरफ, ताकि एक वो जो बफर जोन है, बफर जोन का पता है ना पॉलिटिकल साइंस के अंदर एक टर्म यूज होती है, ताकि वो जो बफर जोन है वो क्या कर जाए, एक्सपैंड कर जाए, ताकि और इन्वेजन के अगेंस्ट काउंटर करना आसान हो जाए। तो इस वजह से इसने ये किया था और पूरे के पूरे दिल्ली में इसने ऐलान करवा दिया था कि सब लोग जो अपना सामान बांध ले, हम सारे लोग जा रहे हैं दौलताबाद। तो जब रास्ते में गया तो काफी सारा फेमस था और देन फूड इनसिक्योरिटी और वाटर शॉर्टेज और इस तरह से कई लोग मर आ गया थे। तो बस चंद एक वहां पे जब पहुंचे थे, वहां पे जब पहुंचे तो वहां पे फिर दोबारा उस तरह दिल्ली की तर्ज का जो है सिटी दोबारा से एस्टेब्लिश करना काफी मुश्किल था। तो कुछ दिन वहां पे रहने के बाद इसने फिर अपना फैसला वापस ले लिया और इसने कहा कि चलो दोबारा वापस दिल्ली चलते हैं। तो पहला काम तो इसने ये किया था कि मूव कैपिटल, देन इसने क्वाइन स्ट्रक्चर को भी एस्टैब्लिश करवाया दी, क्वाइन ठीक है, ये काम भी इसने करवाया। इलम वाले लोगों से इसे काफी मोहब्बत थी, इब्ने बतूता जो है वो भी इसके दरबार में काफी देर रहता है, ठीक है, लेकिन अपने वालिद को मार के आया हुआ है ये ज़हन में रखना, ठीक है, इतना अच्छा भी नहीं है। तो ये जो है लव फॉर लिटरेचर, क्योंकि पढ़ा लिखा आदमी है खुद ही वो तो फिर सारे करते हैं, आगे अमीरुल मोमिनीन भी आएंगे। लव फॉर लिटरेचर, आर्ट, इतनी भी प्रोग्रेसिव मूवमेंट उनके ऊपर ये काम, ये बता ये क्वेश्चन एमसीक्यू पूछ लिया जाता है कि इब्ने बतूता जो है वो किसके पीरियड में यहाँ पे आया था, तो ये मोहम्मद बिन तुगलक है, जिसे में लिखेगा रेड बॉल पॉइंट पास रखा करें, जिस तरह जब पॉइंट इस तरह का बोला जाए तो ऊपर एमसीक्यू लिख लिया करें, ताकि जब आप रिवाइज करें तो आपके माइंड में रहे कि ये चीज थोड़ी इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान रखें। अच्छा वैसे मजे की बात यह है कि जब इसने ये करेंसी इंट्रोड्यूस कराई नई कॉइन, तो लोगों ने जो है फेक कॉइन बनाना स्टार्ट कर दिया, यानी कि जब भी ये कोई अच्छा काम करने की कोशिश करता था तो वो उल्टा पड़ जाता था, गेन डाल के फिर वापस अपनी तरफ चला जाता है। जी नहीं, कॉइन सिस्टम था, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि इसने वो वाला कॉइन, जैसे पीछे नहीं हम करते कि 500 वाले पुराने नोट बंद कर दिया, नए स्टार्ट करवा दिया, तो ये कहता था कि जो पहले थे वो इसके सिल्वर के होते थे ना चांदी के, तो वो कहता था इतनी महंगी तार आपने क्यों इस्तेमाल करनी है यहाँ पे, तो हाँ तो कॉपर की इसने कहा कि आप तो यूज करें, तो कॉपर की फिर कॉपियां बड़ी बनाना स्टार्ट कर दिया वहां ने। तो जब ये चीज हुई तो फिर कहता कि भाई दोबारा आप उधर ही चले जाए, यानी कि सिल्वर वाली साइड पे, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है। सर इसने एसिनेट कब किया, समझ नहीं आई सर, इसने अपने वालिद की जगह कब ली थी सर, 1625 को, 1325 में असैसिनेट किया था अपने वालिद, तीसरा यहाँ पे आता है फिरोज खान तुगलक, इंपॉर्टेंट है ये सबसे, हालांकि इंटेलेक्चुअल बंदा था, तो ये सारी इसकी पॉलिसीज आप अगर पढ़ेंगे, क्वाइन वाली भी, इरिगेशन वाली भी, तो उधर से फ्लडिंग ज्यादा स्टार्ट हो गई, तो इसी तरह ये दौलताबाद वाली जब ये मूव किया, हालांकि पीछे लॉजिक बड़ी लगाता था लेकिन वो उल्टा लग जाता था, तो इसी वजह से ये टर्म भी इसके लिए यूज हुआ, फिरोज खान तुगलक।
इसने बड़े काम किए हैं। सबसे पहले तो इसने इरिगेशन सेक्टर को वंस अगेन रिवाइव करवा के डैम्स कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट करवाया। 50 डैम्स इसने नए बनवाए थे, अगेन इरिगेशन वाला 50 डैम्स। जी नहीं नहीं ये तारों को नंबर पाए कुछ अल्लाह अल्लाह वाले ठीक है। ग्रैंड कंस्ट्रक्शन पेयर टैक्सेशन सिस्टम लेके आया, हमें रिवाइव करवाया। रिलीजियस टॉलरेंस को प्रमोट किया, एक स्टांस आप अपना यहां से ये भी बिल्ड कर सकते हैं या थीसिस अपना कि जितने भी रूलर जो थे वो रिलीजियस प्लूरलिज्म को प्रमोट करते थे, उनका रूल हमेशा जो है वो स्टैंडर्ड जो है पीरियड में होता था। अगर आप ऑटमन को ले लें तो ऑटमन थोड़े बहुत जो रिलीजियस टॉलरेंस थे, इतने ज्यादा इनटॉलरेंट नहीं थे, तो इसीलिए ऑटमन एम्पायर इतना अच्छा तक चलती रही है। इसी तरह अगर सब कॉन्टिनेंट में भी देखेंगे तो जो लोग रिलीजियसली पेशेंस से काम लेते थे यानी रिलीजियस सेंटिमेंट्स से जो है वो जल्दी जो है एक्सप्लॉइट नहीं होते थे, उन लोगों का रूल हमेशा ज्यादा रहा। और जब से ये स्टार्ट हुआ यानी कि जब आप रिलीजन को एज ए पॉलिटिक्स यूज करेंगे देन आपका अपना सवाल स्टार्ट हो जाता है। तो आप देखेंगे आगे औरंगजेब के बाद फिर दोबारा से वो चीजें नहीं हो सकी क्योंकि रिलीजियस परसिक्यूशन बहुत ज्यादा हो गई थी, तो लोगों के अंदर अग्रेशन आता है और जब अग्रेशन आता है तो डेफिनेटली लोग क्या करते हैं, रिवोल्ट करते हैं। तो इस तरह फिर वो सेग्रीगेशन हो जाती है पूरी एम्पायर की। तो रिलीजियस टॉलरेंट एम्पायर जो होती है वो हमेशा उनका जो पीरियड है वो क्या रहा है, एक्सटेंडेड फॉर्म में रहा है। आप ओटमन को कोट कर सकते हैं या यहीं से अकबर को कोट कर लीजिएगा। अकबर जो है वो रिलीजियस की क्या था, टॉलरेंट था, तमाम सोसाइटीज कहता था इक्वल सिटीजन, जजिया जुजिया उसने खत्म कर दिया था। आगे हम बात करते हैं तो ये इन सारे में ये काम किया जी। उसके बाद सेकंड जो काम होता है उसके ऊपर देखिए जी, अब है फॉल डाउन ऑफ तुगलक। तैमूर जिसे कहते हैं कब अटैक किया था सब कॉन्टिनेंट के ऊपर, एमसीक्यू आता है। तैमूर का नाम नहीं सुना हूं, तैमूर चंगेज खान तमूर और अच्छा तो ये क्या है, सेंट्रल एशियन इन्वेडर्स आप कह सकते हैं ठीक है। तो ये सेंट्रल एशिया में थे, तमूर ने जो है बगदाद में भी ईंट से ईंट बजाई थी, बगदाद का जो अटैक है उसका वो भी बड़ा फेमस है और इधर यहाँ पे भी। और ये बाबर जो है ये एक्चुअली यहीं से इन्हीं के ये इंसेस्टर्स थे, फोर फादर हैं ये ठीक है। अगर आप इसका पूरा पिछले शजरा नसब पढ़े तो आपको पीछे जाके ये तमूर और चंगेज और हलाकू खान के सारे के सारे इसके फोर फादर्स में मिले ठीक है। हाँ जी हाँ जी ऑफ कोर्स, वैसे सेंट्रल एशिया की बात कर रहे हैं तो जब तमूर अटैक करता है दिल्ली सल्तनत के ऊपर तो तुगलक क्या करते हैं जी, सल्तनत छोड़ के भाग जाते हैं ठीक है। और वो अपने यहाँ पे अपने जो है करिंदे यहाँ पे काम कर जाते हैं। फॉल डाउन में ये अटैक है उसका, अभी फॉल डाउन तो होगा ना, अभी इसके बाद दोबारा रिवाइव करेंगे। ये इसका अटैक है तमूर का, तमूर अटैक करता है कहाँ पे, दिल्ली सल्तनत के ऊपर। और ये जो है तुगलक ये क्या करते हैं, भाग जाते हैं। और उसके बाद वो एक बंदे को यहाँ पे यानी अपना सबॉर्डिनेट यहाँ पे स्टैब्लिश करके जाता है, तो उसके बाद फिजर खान को,
तो वो क्या करता है, तमूर इसको पता करता है और देन खिजर खान को क्या कर देता है, गवर्नमेंट दे देता है। ठीक है, खिजर खान को यहाँ पे पॉइंट कर दिया जाता है और ये कौन कर रहा है इसको, तैमूर कर रहा है। अब आते हैं डी फोर्टी पहले तो भाग जाते हैं इनके साथ ही, तुगलक के साथ ही, डी फोर्टी साथ चलते आ रहे हैं, तुगलक के साथ भी आएंगे, पहले तो भाग जाते हैं, बाद में क्या करते हैं, जब वो वापस चला जाता है तैमूर और ये खिजर खान को गवर्नमेंट दे के चला जाता है, तो फिर ये क्या कहते हैं उससे, डी फोर्टी कहते हैं तुगलक को कि देखें हमारी बादशाहत थी, हमने ये ठीक नहीं किया, हमने सरेंडर करके, तो हमें दोबारा अटैक करना चाहिए और अपनी सल्तनत जो है वो वापस लेनी चाहिए। तो डी फोर्टी दोबारा से यानी कि री इमर्ज होते हैं और वो अपने साथ स्टेट के जितने भी लोग हैं उन्हें साथ मिलाते हैं, दोबारा अटैक करते हैं और दौलत खान को जो है पता करके उसका गवर्नर बना देते हैं। ठीक है, तो लेके आते हैं जी, तो ये दौलत खान को लेके आते हैं, तो दौलत खान जो है ये बल्कि यहाँ पे पॉइंट ऊपर लिखना चाहिए था, इससे या इधर ही लिखने चाहिए। तो डी फोर्टी किसे तैयार कर रहे हैं आप, दौलत खान को, दौलत खान को खिजर खान, हालांकि वो लेके तो आते हैं कि दोबारा हम रिवाइव करेंगे, खिजर खान इसे हटा के अपना डायनेस्टी बना लेता है और वो कौन सा डायनेस्टी होता है, सैयद डायनेस्टी, ये 1413 के अंदर आके ये वाला खत्म हो जाता है। तो दौलत खान जी, डी फोर्टी मैंने कल भी बताया था कैबिनेट है, ठीक है, वो जो गुजरा किया है, और दौलत खान जो है ये तुगलक खानदान जो है वहां से एक बशिंदा है, तो ये डी फोर्टी से प्यार करते हैं कि हम दोबारा अपना रिकैप्चर करें अपनी सल्तनत को, लेकिन खिजर खान क्या करता है इसे हरा के कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करके देन अपना एक नया डायनेस्टी बना लेता है, कौन सा, सैयद डायनेस्टी। वैसे ये सेवन इसको आप इसी पॉइंट के साथ ही ऊपर वाले के साथ तुगलक के साथ उनका फॉल डाउन करवा दें, सैयद डायनेस्टी में फाउंडर कौन है इसका जी, खिजर खान है, एक्चुअल इन्होंने पावर जो है वो गेन की थी किसके जरिए से, तैमूर के जरिए से, खुद इतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं थे, तो लिहाजा ये एक वीक डायनेस्टी रहता है, कोई इतना लंबा नहीं है। खिजर खान के बाद इसका बेटा आ जाता है मुबारक शाह, अभी इतना लंबा नहीं है, ये है 14-13 से लेकर 51 तक है, इनका 14-51 से लेकर इनका जी सैयद ने आप ठीक लिखा है 14 से लेकर 14-51 तक है, 14-13 तक वो गए हैं, 14-51 तक सैयद, ठीक है। मुबारक शाह के बाद दो और हैं, एक इसका भांजा है जी, नाम उसका भी लिखते हैं मोहम्मद शाह और देन आलम शाह, दो लोग और आते हैं बस, और ये अपनी डायनेस्टी खत्म हो गई, इनकी कोई इतनी डेवलपमेंट्स नहीं है, और पहले जो ये तुगलक डायनेस्टी था बहुत एक्सपेंडेड था, तो मैंने आपको बताया कि ये पावर इन्होंने गेन की इसके जरिए से, तो आहिस्ता आहिस्ता ये क्या कर रहा है, अब पहले तो एक्सपैंड कर रहा था तो अब आहिस्ता आहिस्ता स्क्वीज कर रहा है, तो सुकड़ रहा है डायनेस्टी।
आलम शाह जो होता है ये थोड़ा रिलीजियस बंदा है, इतनी ज्यादा वॉर्स नहीं लड़ता, और कहता है कि सुकून होना चाहिए, टॉलरेंस होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए, लेकिन सर्वाइवल के लिए ये सारी चीजें जो है वो अच्छी नहीं होती। सर्वाइवल के लिए तो पावर होनी चाहिए और मैक्सिमम पावर होनी चाहिए। तो बहलूल लोधी जो है वो क्या करता है, इस मौके से फायदा उठाता है और वो क्या करता है, सैयद डायनेस्टी को खत्म कर देता है। तो यहाँ से बहलूल लोधी जो है वो अपना डायनेस्टी बना लेता है, जिसे हम क्या कहते हैं, लोधी डायनेस्टी। कहा ये इधर से ही है, ये पश्तून थे वैसे, ये वाला लोधी जो है ये पश्तून थे सारे, यहाँ इधर से ही रहे हैं, अफगानिस्तान वाले रीजन से। ठीक है, कुछ यहाँ पे स्टैब्लिश हो रहे हैं, वापस जा रहे हैं। ये 1451 से लेके कहां तक जाएगा, 1526 तक जाएगा। सर जी, सर इससे पहले जो स्लेव डायनेस्टी में जो लोग आ रहे थे वो भी, वो तुर्क नहीं थे, वो भी उनको सिर्फ जो दी फोर्टीज तुर्क थे वो लेकर आ रहे थे बस। अच्छा, कल मैंने वैसे बताया तो था आपको कि वो कहां से आया था, गौरी खुद कहां से आया था। कल वाला लेक्चर लिया है आपने? जी सर लिया। हाँ, तो वहां पे मैंने बताया था कि गौरी कहां से आया था, उसको जाके देखिए जरा। और जो बाकी थे स्लेव डायनेस्टी में, वो सारे के सारे, जो शमसुद्दीन अल्तमश था वो क्या था, वो भी तो गुलाम ही था कुतुबुद्दीन ऐबक का, और वो कहां से आ रहा है, उधर से ही आ रहा है। ये डी फोर्टी नहीं लेके आ रहे थे, एक्चुअली डी फोर्टी को ये लेके आए थे साथ में, और फिर वो आगे गेम चला रहे हैं सारी की सारी। ठीक है ना, वो एस्टेब्लिशमेंट बन जाती है। ये फाउंडर है जी लोधी डायनेस्टी का, बहलूल लोधी। इसके बाद इसका बेटा आता है सिकंदर लोधी। जहां तक हमारा फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट खत्म हो जाता है। ठीक है, पहला पार्ट कहां से कहां तक था, 4000 से लेके 712 तक का, और दूसरा 712 से लेके कल जो मैंने वो सेक्शन आपको लिखवाया था 1526 तक का, तो जहां तक आके बात खत्म हो जाती है। इससे आगे आप मूव ऑन करते हैं, तो यहां से भी कोई क्वेश्चन वैसे इतना नहीं आता, डायरेक्ट कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, एमसीक्यू सम टाइम बनते रहते हैं, तो ये थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए। इस पे भी आपने जाके कोई इतना ज्यादा काम नहीं करना। ठीक है, अगर कभी फ्री टाइम हो जिंदगी में तो फिर, अगर आपने मुस्लिम केस भी पढ़नी हो तो फिर आप प्रसाद को पढ़ लीजिएगा, या कोई और राइटर आपको अच्छा लगे तो उसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, लेकिन जहां तक अगर आप अटेम्प्ट देने के लिए आ रहे हैं तो फिर इसको अभी ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। अभी हम जो मुगल वाला है इसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे, और देन उसके बाद एक्चुअल हमारा काम स्टार्ट होगा 1857 से, उससे ऑनवर्ड क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। तो इसी तरह जल्दी से आप थोड़ा सा मुगल को भी देख लेते हैं कि मुगल ने क्या किया। एक्चुअली रिफॉर्म्स अभी वो डायनेस्टी इतना एक्सपेंड कर ही नहीं रहा, आस्ता आस्ता सिकुड़ता जा रहा है, तो रिफॉर्म्स क्या करेंगे, एफर्ट तो मार रहे हैं सारे के सारे, लेकिन बल्कि नहीं। इसने वैसे आगरा सिटी को थोड़ा डेवलप किया था सिकंदर लोधी ने, ये भी एमसीक्यू कभी कभी पूछ लिया जाता है। आगरा का जो है इसको बिल्कुल इसी ने किया था और एक्सपायर भी इसी ने। मंगोल बार बार अटैक करते रहते हैं सिलचर के ऊपर, उधर से देखें तो ऊपर से आ रहे हैं, उज़्बेकिस्तान वाला ये जो इलाका है, सेंट्रल एशिया वाला सारे का सारा,
इधर से मंगोल हमेशा अटैक करते रहते हैं। अभी मंगोलिया ऊपर है, चाइना के ऊपर खड़ा है मंगोलिया, ठीक है। बाकी पहले मंगोल यहाँ पे होते थे ज्यादा से ज्यादा जो है ये सेंट्रल एशिया, और आज भी अगर आप सेंट्रल एशिया में जाएं तो आज भी वो लड़ाके और जंगजू लोग हैं, घोड़े का गोश्त बहुत ज्यादा खाते हैं ये लोग, और उसकी वजह से कहते हैं कि जी जो बायोलॉजिकल वो ट्रांसमिशन है वो होती रहती है। तो वैसे जो जितने भी गोश्त खाने वाले लोग हैं वो ज्यादा लड़ाके होते हैं, और फिर गोश्त में भी आगे क्वालिटीज हैं, तो ये घोड़े का गोश्त बहुत ज्यादा खाते थे, तो उस वक्त से ये जो है जंगजू लड़ाके और क्या सेवश किस्म के आप लोग कह सकते हैं, यानी कि तहजीब तजूब इनमें नहीं थी, बस जो भी जाना अटैक करना है, और अटैक इतना थंडर किस्म का करना है कि सारी जिंदगी लोगों के ऊपर एक इंप्रेशन छोड़ के आना है कि इनके साथ ना लड़ना, ये ईंट से ईंट बजा देते हैं। और देन ये जहां पे भी जाते थे जितने लोगों को लाशों के ढेर लगाते थे, उनकी खोपड़ियां काट काट के उनके मीनार बनाते होते थे, और वो इस तरह का सिंबलिज्म बनाते थे कि ये जो है वैश्य किस्म के लोग हैं, इनके साथ जंग नहीं करनी चाहिए, ठीक है। और यही इन्होंने पूरी दुनिया में फैलाया हुआ था। जैसे आज है ना कि अमेरिका को हराना बड़ा मुश्किल है, एक साइकोलॉजिकल जो है ना वो गैम्बलिंग की जाती है या प्रोपोगेंडा किया जाता है कि ये चीज नहीं हो सकती, ठीक है। जैसे हमें बताया जाता था कि पाकिस्तान इंडिया को नहीं हरा सकता वर्ल्ड कप के अंदर, तो वो एक लंबे अरसे से भी 2-3 decade तक हम नहीं उनको हरा सके, लेकिन अल्टीमेट चीजें जो है चेंज होती है, और फिर मंगोलों को भी लोगों ने टक्कर दी है, तो वो मैं आगे आके बात बताता हूँ। ये इस तरह का इन्होंने इंप्रेशन एक बिल्ड किया हुआ था। तो ये मंगोल क्या करते थे, काम को खुद नहीं करते थे, जो भी सिविलाइजेशन एस्टेब्लिश होती थी उधर बेचारे वो जो है, उधर भी मैंने आपको बताया बगदाद वाला इलाका जो है उधर भी अगर लोग डेवलपमेंट वो करते थे, ये जाते थे छीनते थे अटैक करते थे वापस चले जाते थे। इसी तरह ये जो साउथ इंडिया वाला रीजन है और पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट वाला रीजन है, अगेन इधर से आते थे, ऊपर से अफगानिस्तान वाला रूट होता था, सीधे आए अटैक किया और अटैक करने के बाद लूट मार की तैन वापस चले गए। बाबर का भी कोई इरादा ये नहीं था कि यहाँ पे आके मैंने कोई एम्पायर एस्टेब्लिश करनी है, ठीक है। बाबर ने जब 1526 में अटैक किया तो इससे पहले वो 6 attack कर चुका था, ये उसका 5 attack कर चुका था, ये उसका 6th attack था, ठीक है। और उस अटैक का हरगिज कोई मतलब ये नहीं था कि इस्लाम की फलाह और तरक्की का काम करना है, ठीक है, क्योंकि अगर इस्लाम की फलाह तो करनी है तो पहले ही तो मुसलमान है। कल किसी बच्चे ने क्वेश्चन किया था कि सर पहले ही वो हमें मुसलमान है तो मुसलमान मुसलमानों को क्यों मार रहे हैं, ठीक है। तो वो एक ही ऑब्जेक्टिव था, फॉर पावर, और वो पैसा, लूट मार, प्लंडरिंग करना, और वो बगदाद में भी प्लंडरिंग होती थी, जहां कहीं भी कोई कुछ चीज मिलती थी प्लंडरिंग करके वापस अपना पहुंच जाते थे सेंट्रल एशिया में। तो बाबर का कोई इस तरह का नहीं था कि जी मैं यहाँ पे आऊंगा और मैं बड़ी कोई एम्पायर एस्टेब्लिश करूंगा, और यही वजह थी कि वो जब मरा था तो वो कहाँ पे जाके मरा है, ये अभी MCQs भी आया हुआ था इस साल BMS के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर, ठीक है। तो वो लूट मार करके 1526 में वापस जा रहा था, ठीक है, मैंने बहुत कुछ कर लिया है, तो कुछ छोटी छोटी जो एम्पायर बना के कुछ लोगों को छोड़ के वापस चले जाते थे। तो इसी तरह बाबर जो है 1526 में अटैक करता है, और उसके पास सोल्जर कितने होते हैं, सिर्फ 12,000, बड़ी कमाल की वैसे ये स्टोरी उसने लिखी हुई है। और आगे से जो इब्राहिम लोदी है उसका लश्कर पता है कितने लोगों का होता है, 1,00,000 लोगों का लश्कर होता है। आप इनकी इंटेंसिटी चेक करें और फियर चेक करें जो इन्होंने स्प्रेड, और 12,000 बंदे का लश्कर जो है वो 1,00,000 के लश्कर को भगाता है, और इतना भगाता है, और इसमें अब ऐसे ये चीज यूज हुई थी टेक्नोलॉजी, ठीक है, उस अटली। और दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, वो हसन निसार साहब बड़ा इसका अच्छा एक जगह पे एनालिसिस करते हैं कि जो टेक्नोलॉजिकल सुपीरियरिटी है कैसे नेशंस को जो है वो एक्सपैंड करवाती है। उसमें ये बता रहे थे उस दिन भी कि बाबर जो है वो कोई ज्यादा जहीन नहीं था लोदी से, इब्राहिम लोदी से ज्यादा जहीन भी नहीं था, ज्यादा दलेर भी नहीं था, सिर्फ एक चीज उसके पास सुपीरियर थी और वो थी उसकी टेक्नोलॉजी। उसके जो जंगजू थे उनके पास ये था कि वो घोड़े की पीठ पे बैठे बैठे यानी कि तीर चलाते थे, और इतनी जो है एक्यूरेसी के साथ वो मारते थे कि हाथियों का लश्कर था इसका लोदी का, वो इतने ज्यादा एक्सपर्ट थे कि हाथियों की आंखों के अंदर तीर लगते थे उनके जाके, और उससे हाथी क्या करते हैं, बैकलैश होता है, हाथी डर के भागते हैं, वो पीछे भागना शुरू करते हैं और पूरी की पूरी फौज खुद की खुद ही तबाह हो जाती है जी। तो इस तरह की ये एक बाबर की जो है टेक्निक थी। तो ये क्या थे, जंगजू थे हमेशा, वॉर स्ट्रेटजी इनकी हमेशा स्ट्रांग रही है, और वॉर के अंदर टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना भी कौन ज्यादा इस्तेमाल करते थे, यही सेंट्रल एशियन वाले, ठीक है। 24 घंटे इनको काम यही होता था कि लोगों को लूटना कैसे है, ठीक है। तो आपको पता है मारपुर बंदा जो है वो इसी तरह के प्लान बनाएगा कि ये चीज इधर इस्तेमाल की जा सकती है, तीर का ऐसे इस्तेमाल किया जा सकता है। तो देखे सबसे पहले प्यादा जो फोर्सेज होती थी उनपे फतह हासिल की उन्होंने, जिन्होंने घोड़ों का इस्तेमाल किया, ठीक है, घोड़ों वाली फौज पे उन्होंने फतह हासिल की जिन्होंने घोड़े के ऊपर काठी का इस्तेमाल किया,
काठी वालों के ऊपर उन्होंने फतह हासिल की जिन्होंने लगाम का इस्तेमाल किया, और लगाम वालों के ऊपर उन्होंने फतह हासिल की जिन्होंने पीठ के ऊपर बैठ के तीर चलाना सीखा। तो घोड़े की स्पीड के साथ इतनी एक्यूरेसी अभी अर्तुगरुल के अंदर आप देख रहे होंगे। तो ये तुर्क और ये वाले मंगोल जो है ये एक तरह की वॉर स्ट्रेटजी रखते होते थे। जी यानी कि सेंट्रल एशिया मंगोल था, सेंट्रल एशिया। अब ये मंगोलिया ऊपर चला गया तो ये ना समझेगा कि ये मंगोलिया से, तो ये पूरा रीजन है यानी कि चाइना वाला, के बाद में चाइना की एक्सपेंशन हुई और ऊपर से ये जो है रशिया की भी एक्सपेंशन है, उससे पहले ये पूरा सेंट्रल एशिया कहलाता था। अभी तो सुकड़ के ये थोड़ा सा रह गया है काजिकिस्तान। मुस्लिम थे बाबर, कौन था पहले नॉन मुस्लिम थे पहले वाले जो है, उसके बाद जब ये अटैक करते थे ना उधर, ये जो इन्होंने बगदाद की जाके प्लेंडरिंग किया है, उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता मंगोल मुसलमान होना शुरू हो गए हैं, और आज ये सारी सेंट्रल एशियन स्टेट जो है ये मुस्लिम स्टेट ही है। ठीक है, तो मुस्लिम क्यों नहीं थे मंगोल? अब आप मंगोल जैसे ना, मैं आपको बताता हूँ कि ये तीन चार तरह की जो है ह्यूमन जो जनरेशन है उनमें से तीन चार जनरेशन बना के रखी हुई है। एक तो ये नेगेटिव है जो यहाँ से नीचे से लोग अफ्रीका वाले थे, उसी तरह ऊपर से मंगोल्स थे ये जनरेशन है, और देन उधर से रेड इंडियंस थे वो जो उसका है अमेरिका वाला रीजन, और इसी तरह जो यहाँ पे है ये वाइट रेसिज्म की, तो रेसिस थी डिफरेंट लोगों की। ठीक है, जैसे ब्लैक्स हैं अब, तो ब्लैक्स का वैसे ही एक शक्ल से ड्राउनी सी शक्ल होते, तो ये नेगेटिव किस्म की इनकी शेप होती थी यानी कि बॉडी आउटपुट, और ये आई थिंक क्रिमिनोलॉजी के अंदर आप पढ़ेंगे वो जो पढ़ रहे हैं वहां पे पढ़ा है स्मोटो टाइप और स्मार्टो टाइप और इस तरह की जो बॉडी लोकेशन है जो उससे क्राइम का क्या ताल्लुक है, तो वो इस तरह का लिंक जो है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो ये हमेशा से इनका जो है अटैकिंग कैपेबिलिटी हमेशा इनकी क्या रही है, स्ट्रॉन्ग रही है। तो बाबर पांच अटैक पहले कर चुका है, 1526 में उसका छठा अटैक है, और कितना लश्कर है सिर्फ 12,000 का, और मध्य मुकाबल कितना जी 1,00,000 का, लेकिन फिर भी क्या कर देता है फतह हासिल कर जाता है। यहाँ से स्टोरी में स्टार्ट आता है, इधर स्टार्ट करें जी इब्राहिम सिकंदर का, सिकंदर इसका सिकंदर बहलूल का सिकंदर और सिकंदर का नहीं सर। वैसे एक बात और है, बाबर बहुत बला किस्म का दलेर था, और बाबर के बारे में ये भी कहा जाता है कि शायद वो आपसे कुरान था, आप कह रही है कि मुसलमान था कि नहीं, और उसके पहले मैं कह रहा हूँ कि मंगोल पहले वाले मंगोल जो है वो नॉन मुस्लिम थे, जब इनका इंट्रैक्शन होता है नीचे तो फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इस्लाम फैलना शुरू हो गया। तो ठीक है, और बाबर इतना स्ट्रांग था, कहते हैं कि ये एक बंदे को अपनी पीठ पे चढ़ाता था और एक को अपने हाथ पे यानी कि ऐसे उठा के और किले की दीवार के ऊपर मारता था, इतना स्ट्रांग आदमी, और दोनों हाथों से तलवारबाजी करता था, और जहां पे भी मुश्किल टाइम आता होता था खुद फ्रंट पे खड़ा होकर लड़ता होता, ये इसकी सबसे ज्यादा स्ट्रांग टैक्टिक्स होती थी, यानी कि जहां पे लगता था ना टफ फेज है वहां पे, ये नहीं है कि खुद आपने वॉर की स्ट्रेटजीज देखी होगी तो बादशाह जो होता था या मिलिट्री लीडर या कमांडर जो होता था तो सेंटर में होता है, उसके बाहर वो दीवारें बनी होती है सोल्जर्स की, तो वहां तक पहुंचना ही मुश्किल होता था, ये ऐसा नहीं करता था, इसकी जो वॉर स्ट्रेटजी थी वो और तरह की, ये फ्रंट से लीड करता था और इसके रास्ते में जितने भी दरिया आते थे खुद तैर के क्रॉस करता होता था। ठीक है, जब इसने अटैक किया था तो ये वाला जो है काबुल शाबुल ये सारे इसने क्या किए, अकेले ने तैर के क्रॉस किए, और इतना बला किस्म को, तो इस तरह का उसका इंप्रेशन पड़ा हुआ था, और जो उसकी मिलिट्री है उसे इतना ज्यादा बिलीव होता था कि अगर हम 600 भी हैं तो अभी बाबर साथ है तो हम जीतेंगे। ठीक है, तो ये इस तरह के सर वो सारे, वो वही मैं आपको बता रहा हूँ ना कि इसकी इंडिविजुअल कैपेबिलिटी, वो जो किले वाली जो है ना वहां पे भी ये फंस गया था। ठीक है, लेकिन ये खुद इतना ज्यादा शातिर था, मेंटली भी बड़ा शार्प था और बहादुर भी बहुत था, ये नहीं था कि बिल्कुल ही गया गुजरा आदमी था और उसने अटैक किया,
ये एक दफा यहाँ पे क्या पीछे जब ये अफगानिस्तान में आया तो पश्तूनों ने भी इसको पकड़ लिया था, यानी कि घेरे में आ गया था, लेकिन अगेन इतना स्ट्रांग था और इतना मेंटली जो है साइकोलॉजिकली इतना स्ट्रांग था कि ये कभी सरेंडर करने वालों में से नहीं था। ठीक है, तो इस तरह ये अटैक करते हैं 1526 में। और यहाँ पे होती है फर्स्ट वॉर ऑफ पानीपत, ये एमसीक्यू भी आता है। ठीक है, पहली वॉर पानीपत की किसके दरमियान होती है? बाबर और लोधी के दरमियान। तीन हुई है वैसे, जाके देख लीजिएगा। दूसरी हुमायूं और टेमू के दरमियान है, तीसरी मरठों और उसके दरमियान है। ये तीनों एमसीक्यू आते रहते हैं। विक्ट्री है जी बाबर की, बाबर नामा भी लिखा है जी इसके। और मरता था हो गया अफगानिस्तान। ये 30 में मर जाता है 1526, 4 साल बाद। अपना ये है लाइफ के ऊपर बातों बारे का, सर जी जी सर कैमरा थोड़ा मूव कर दें। अब यहाँ से गेम स्टार्ट हो जाती है। हुमायूं को देखा, ये इसका पीरियड लिख लीजिएगा 1526 से 1530 तक का बाबर का। ठीक है, 1530 से 1540 तक का है हुमायूं का, और उसके बाद वो निकल जाएगा, फिर दोबारा आएगा 1555 से 56 तक का। तो मैं सारी एक्सप्लेनेशन आपको बता, इसके दो पीरियड है एक्चुअली, एक 1530 से 40 तक का, देन उसके बाद यहाँ पे आएगा कौन, शेरशाह सूरी जीडी रोड वाला, और देन उसके बाद जो है वो इसको निकाल देगा, फिर उसकी डेथ हो जाती है, और उसकी डेथ के बाद कौन आ जाता है, फिर ये दोबारा फाइट करता हुआ, पहले पर्शियन वाला इलाका, फिर देन अफगानिस्तान वाला, और मैं भी बताता हूँ आपको। होता यह है कि इसके तीन भाई होते हैं, एक तो हुमायूं खुद है, और दो इसके जो दूसरे भाई हैं उनका नाम है, एक का कामरान, तीन दूसरे भाइयों में कामरान, अस्कारी मिर्जा और हिंदाल, तीन इसके भाई हैं, तीनों के नाम लिख लें। कामरान बेटे, इससे इसकी बड़ी मोहब्बत होती है, इसको तो फिर भी देखते हैं, अभी मैं बताता हूँ। कामरान, अस्कारी मिर्जा और हंदार, जी
हुमायूं बेटा है इसका, ये इसके भाई हैं, इसके हुमायूं के भाई। जी जी, यानी ये सारे किसके बेटे हैं? बाबर के। आपस में भाई हैं तो उसके बेटे ही हैं। मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ, मैंने तो कहा कि बाबर का ये बेटा है और ये इसके भाई है। अगर इतना, अगर आपका इतना ह्यूमन थिएटर, तो फिर आप जीएसए का जो पार्ट होगा वहां पे क्या करेंगे? जब रिलेशन इतने एम्बिगुअस किस्म के देता है कि बंदा कहता है इनको कैसे डिफाइन करे? ठीक है, तो ये चारों भाई है और ये बेटे हैं इसके बाबर के। ठीक है, अच्छा, इसके साथ जो है इसे काफी मोहब्बत होती है। अच्छा, उस वक्त ना हुमायूं हुमायूं को हिंदाल से मोहब्बत होती है काफी ज्यादा, आपस में अच्छा ताल्लुक होता है इनका। तीन पोर्शन में डिवाइड हुआ होता है कि उस वक्त जब बाबर मरता है तो तीन रीजन थे, ये वाला पंजाब वाला रीजन एक, दूसरा जो है अफगानिस्तान वाला रीजन, और नीचे जो साउथर्न पंजाब वाला मुल्तान वाला और थोड़ा ईरान वाला इलाका, ये सारे के सारे तीन अंपायर होते हैं। तो बाप जहां पे जो है हुमायूं रूल करता है पहले, ठीक है, हुमायूं रूल करता है और इस रूल को देखिए जाके क्या करता है, इसको तो ये अफगानिस्तान वाले रीजन में भेज देता है ना, आप वहां पे जाकर रूल करो, और ये इसके अगेंस्ट खड़ा होता है, इन दोनों की नहीं बनती आपस में, तो ये इसकी आंखों में सिलाइयां फिरा देता है, ठीक है, और इसे अंधा कर देता है, ब्लाइंडनेस। ये हुमायूं कामरान की क्या करता है, आंखों में गर्म सिलाइयां करके ये सारे अब आगे यही करेंगे। मिर्सा चुप करके साइड में वो कहता है मैंने इस फॉर्म में नहीं जाना, ये यही बोले थे, ये इसको तो वैसे इसने साइड लाइन करवा लिया ना, यानी अपने साथ मिला लिया वहां पे दे दिया, तो इस ये बोलता था इसको वैसे ही ज्यादा सपोर्ट जो थी ना वो इसको थी, ये कंपिटेंट था इसका हुमायूं का, तो जो कंपिटेंट होगा उसी के साथ ही, जो बोल ही नहीं रहा उसके साथ क्या लड़ाई करनी। तो ये कामरान जो है ये कंपिटेंट था इसका हुमायूं का, तो हुमायूं ने फिर इसे कहा, हालांकि खुद बड़ा हम्बल किस्म का बंदा था, लेकिन फॉर द सेक ऑफ पावर उसने कहा कि नहीं ये नहीं चलेगा, तो इसने फिर इसकी आंखों में सिलाइयां फिरा दी और इसे मार दिया। हुमायूं का है बताया था ये 1530 से लेकर 40 तक, और देन सेकंड पीरियड इसका लिखें उसके बाद इसको निकाल दिया जाएगा 1555 से लेकर 56 तक, दूसरा आप लिख ले अपने तरफ। अभी होता क्या है, जब ये यहाँ पे रूल कर रहा होता है ना, तो यहाँ पे एक और जो है मिलिट्री लीडर खड़ा हो जाता है, और वैसे उसकी ग्रोथ किसने की होती है, इसके बाप ने की होती है, बाबर ने, ठीक है, शेरशाह सूरी, उसका असल नाम फरीद था, और ये एक पश्तून था, अफगानी था और एक लीडर था, अच्छा जंगजू था। इसका जो वालिद है ना वो साउथ एशिया, जो साउथ इंडिया वाला रीजन है, बंगाल वाला और ये वाला जो रीजन ऊपर वाला है, यहाँ पे रूल करता था इसका वालिद, लेकिन इसका वालिद जो है इसके साथ थोड़ा अच्छा सलूक नहीं करता, ठीक है, जो शेरशाह सूरी का है, तो ये थोड़ा साइकोलॉजिकल उसी तरह नेपोलियन की तरह, जैसे नेपोलियन का बचपन बहुत एक जो है ना जिगजैग फॉर्म में गुजरा होता है, वो चीज उसके अंदर एक मिलिटेंस प्रोड्यूस करते हैं, उसी तरह इसके अंदर भी शेरशाह सूरी का वालिद उसको निग्लेक्ट करता है, तो ये फिर लड़ते लड़ाते जो है जंगजू बन जाता है। इसको एक जनरल जो है वो इंट्रोड्यूस करवाता है किसको, बाबर को, तो ये बाबर के अंडर फिर ये वॉर भी लड़ता है, सपोर्ट भी करता है इन्हें, लेकिन बाबर के बाद जब हुमायूं आ जाता है ना, तो उस वक्त ये फिर इसके अगेंस्ट खड़ा हो जाता है। तो शेरशाह सूरी का यहाँ पे अलग से छोटा सा पीरियड लिख लिया, आप मैं इधर अलग लिख रहा हूँ, काम उसने बड़े गजब के लिए हैं। इसका रूल है जी इसको भगा के, यानी कि 1540 में इसको भगाता है और 1545 तक 5 साल का उसका रूल है, लेकिन 5 सालों के अंदर इतनी ज्यादा डेवलपमेंट कर जाता है कि जो ये 5 साल दावे करते रहते हैं ना हमारे वाले, उतनी डेवलपमेंट ये नहीं कर सकते। तो ये इसका रूल है 1540 से लेके 45 तक। ये क्या करता है जी, ये हुमायूं को इस वाले रीजन से क्या करता है, निकाल देता है, और हुमायूं यहां से भाग के चला जाता है ईरान वाले इलाके में, ठीक है। अब यहाँ पे ये करता है डेवलपमेंट, सबसे पहली डेवलपमेंट अगेन ये क्या करता है, इरिगेशन सेक्टर को लेके और एग्रीकल्चरल सेक्टर को लेके, ठीक है, एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन करता है पहले तो ये,
और ये टैक्सेशन सिस्टम लेके आता है, जब्ती सिस्टम उसको कहते हैं वैसे, अगर किसी ने लिखना हो। जब्ती सिस्टम लिख ले यहां पे, पैदावार का जो 1/3 है वो ये लेता था और 2/3 जो है वो मजारे जो होते थे उन्हें मिलता होता। समझ आ गए कि नहीं? जितनी भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन हो रही है उसमें 1/3 किसको जा रहा है? स्टेट को जा रहा है, यानी शेरशाह सूरी को जा रहा है, और बाकी 2/3 जो है वो किसको जा रहा है? मजारों के पास जा रहा है। ये 1/3 जो है प्रोडक्शन का मेजर है। दूसरे नंबर पे ये काम करता है अपने अंपायर को इंटेक्ट करने के लिए आउटपोस्ट बनाता है, चौकियां बनाता है डिफरेंट पॉइंट के ऊपर, ठीक है। आउटपोस्ट के साथ एक और काम जो ये सबसे बड़ा करता है, मोड ऑफ कम्युनिकेशन को जो क्या करता है? रेवोल्यूशनाइज करता है। और ये जो आप आज को जीटी रोड आपको मिलता है, ग्रेट ट्रंक रोड, ये शेरशाह सूरी ने ही बनवाया था। और ये स्टार्ट होता है बांग्लादेश से, बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, और ये जाता था अफगानिस्तान तक, ठीक है। तो पूरे का पूरा ये जीटी रोड जो है, ग्रेट ट्रंक रोड, किसने बनवाया है जी? शेरशाह सूरी। पंद्रह में इसकी डेथ हो जाती है। जब इसकी डेथ होती है तो हमारियों को थोड़ा सुकून मिलता है कि चलो अब मेरा दोबारा से रूल स्टार्ट हो सकता है। तो हमायों क्या करता है जी? हमायों फाइट बैक करता है, और पहले जो है अफगानिस्तान वाला रीजन अगेन उसको रिकैप्चर करता है, देन उसके बाद ये वाला दोबारा रिकैप्चर करता है, और रिकैप्चर करने के बाद 1554 के बाद जो है 55 के बाद जी ये रोहतास फोर्ट भी, ये सॉरी यहाँ पे मिस्टिंग है जी, ठीक किला है रोहतास, ये बंगाल के अंदर भी वैसे एक इधर भी बनवाया, ये वैसे इसने नहीं बनवाया, इसका वजीर है, क्या नाम है उसका, अब आगे भी पढ़ लेना, ठीक है। ये इसने दोनों दिया, अब आपके एमसी गुजर गए हैं दोनों, इसका वैसे मैं बता देता हूँ लेकिन मैंने चलो नहीं भी बताता, आप जाके खुद सर्च कीजिए। ये इसका एक मिलिट्री लीडर है, उसने बनवाया उसके ऑर्डर पे। कौन है तो बताएगा? हाँ जी नहीं कोई बता नहीं, जाके देखिएगा इसको, ये रोहतास का फोर्ट है, ऑर्डर इसने किया था, लेकिन नाम मेरे वैसे अभी भी है मुंह पे आ रहा है लेकिन मैं बोलूंगा नहीं, आपको क्या कर देंगे वो बीच में ये वाले शेरशाह सूरी वाले, ये मर जाता है लेकिन उसके जो फोर जो है नीचे पैडिस इसके पास तो फिर कोई मजबूर टाइम नहीं बचता, नो टाइम फॉर मोर ब्रांचेस। हाँ जी डेथ हो गई, वो आउटपोस्ट में ही आएगा, वो मैं ऊपर लिखा शायद मैंने बोला तो था, हाँ ये लिखा दिया, वो वाली आउटपोस्ट में ये करेगा, ये भी आउटपोस्ट की वैसे सिर्जन से, और टोटल मान लिया आई थिंक उसका नाम शायद देखते का दोबारा था, उसने बनवाया आ गया जनरल, उसने बनवाया था ये वाला रोहतास वाला, टाइम ही नहीं बचा बेचारे ने, रिकैप्चर ही किया तो मौत आ गई, ठीक है। उससे पहले 10 साल में कुछ किया कराया था लेकिन वो 10 साल में पहले जब स्टार्ट किया तो भाइयों से लड़ते लड़ाता रहा, वो इनके साथ रिकैप्चर करने कराने में सिविल वॉर सबके दरमियान
तो इस तरह की, इससे के बाद डेवलपमेंट भी वो भी आपकी डिजायर पूरी करते हैं, अकबर आता है। अच्छा जी, हुमायूं जब मरता है तो उस वक्त अकबर जो है उसकी उम्र कितनी है, सिर्फ 12 साल या 13 साल, 13 साल ही है, सम टाइम 12 साल भी लिखा हुआ है, प्रसाद ने 12 साल लिखा है लेकिन गूगल 13 साल शो करता है। हाँ जी, ये हुमायूं के बारे में तो आपने, बूढ़ा हो गया था काफी ज्यादा, तो इसका भी, और वो फोटो खेलते हुए मरता है। हाँ, ध्यान ये भी आ जाता है स्टेज से जो है गिर के कौन मरा था, तो ये हुमायूं ही है, ये आई थिंक सब कुछ पता है। बाकी अगर नहीं किसी को पता तो वेल एंड गुड कि आप लिख लें, किसी के माइंड में ना हो। अब यहाँ पे जब हुमायूं मरता है, ये काफी एज हो गया था, और वैसे इसके बारे में आप कुछ चीजें मैं स्किप कर रहा हूँ, अगर किसी ने डिटेल पढ़नी हो तो प्रसाद को पढ़ लीजिए ना, कल वो चैटबुक मेरे पास थी, तो बड़ी कमाल की उसने लिखी है इनकी स्टोरियां, ठीक है। हाँ जी, ये बहुत कुछ लिखा था। अभी ये सारे जो है ये लिबरल अभी आएंगे, ये लिबरल है, और इसके बाद अकबर भी लिबरल है, अकबर के बाद जहीर भी लिबरल है, और उसके बाद फिर आएगा खुर्रम यानी कि शाहजहां, वो कंजर्वेटिव, देन औरंगजेब कंजर्वेटिव, और देन उसके बाद बाकी के सारे फिर अय्याश हो जाएंगे, और उसके बाद फिर आगे काम खत्म हो जाएगा। टोटल 19 है वैसे, ये भी एमसीक्यू कभी पूछ दे तो, टोटल 19 है मुगल। उसके बाद नेक्स्ट जो पर्सन है वो है कौन, बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर। पंद्रह सौ छप्पन में बनता है, कहां तक जाता है, 1605 तक। अभी मैं बताता हूँ मुश्किल आसान कैसे होगी। अकबर खुद नहीं रन कर रहा था अभी, अभी इनके जो नीचे वजीर थे उनमें था एक बहराम खान, बहराम खान एक्चुअली ये सारा कंट्रोल कर रहा था 12 साल की उम्र। जब ये 18 साल का होता है तो इसको ये बात पसंद नहीं आती कि बहराम खान जो है वो ओवर इंटरफेरेंस कर रहे हैं, ये मेरे राइट्स को सप्रेस कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर ये इनकी दोनों की वॉर होती है आपस में, बहराम खान की और इसकी, तो ये बहराम खान को मरवा देता है, देन उसके बाद फिर रियल में रूल करता है 12 साल का, तो फिर अब यंग हो गया है। तो अब ये, तो ये इसका एक क्या है एडवाइजर है, क्या नाम है उसका, बहराम खान। अच्छा जी, एडवाइजर बहराम खान है। जब 12 साल की एज में ये बनता है तो मैक्सिमम रूल कौन कंट्रोल कर रहा है जी, बहराम खान। जब 18 को पहुंचता है तो देन इनके दरमियान पॉइंट ऑफ कंफ्लिक्ट आ जाता है और दोनों के दरमियान वॉर होती है और बहराम खान क्या हो जाता है जी, मर जाता है। तो रियल पावर अब किसके पास आ गई है, अकबर के पास आ गई। वैसे इसको मरवाता नहीं है, इसको कहता है कि चलो मक्का भेज देते हैं, वैसे ये भी इनके पास बड़ा होता था मुगल के पास, जिसको नहीं मरवाना यानी कि थोड़ा सॉफ्ट हार्टेड है उसके बारे में कोई आइडियोलॉजी, तो फिर उसे हज के लिए भेज देते थे। तो जब इसको भेजा बहराम को तो रस्ते में कहा कि कहीं ना कहीं कुछ कर देना, तो उन्होंने फिर रस्ते में कत्ल कर दिया था बहराम खान को, खुद नहीं मारा था यानी कि भेज दिया था, चलो अल्लाह ताला के पास भेजते हैं, तो फिर वो थोड़ा ज्यादा अल्लाह ताला के पास 5 फीट तो चला गया, ठीक है। तो बहराम खान का ये काम था, सबसे पहले जो इसने काम किया और जो इंट्रोड्यूस करवाया वो मनसबदारी सिस्टम था इसका, ये एमसीक्यूज भी आता रहता है। मनसबदारी सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस करवाया था, अकबर ने जी, नहीं नहीं मैं अभी बताता हूँ, मनसबदारी सिस्टम पूरा एक सिस्टम है।
मनसबदारी से इधर सेपरेट में समझा दूं कि इधर ही लिखो सेपरेट फील्ड। मनसबदारी में ये होता था कि इसने अपने पूरा जो स्टेट था ना उसको या अंपायर था उसको 15 स्टेट के अंदर डिवाइड किया हुआ था, 15 स्टेट के अंदर डिवाइड किया और देन उसके बाद स्टेट को फर्दर डिवाइड किया हुआ था और वहां पे इसने रखे हुए थे मनसबदार। कौन रखे हुए थे? मनसबदार। इंटरव्यू में ये पूछ लिया जाता कस्टमर से अकबर का जो मनसबदारी सिस्टम है उसके बारे में आपका क्या ख्याल है। और सीएसएस में ये ना सोचिएगा कि उनके पास कोई लिमिट है इंटरव्यू में, यहाँ पे तो लिमिट होती है इंटरव्यू में, इसीलिए 152/44 और 112/14 पे खड़े होते हैं कि हम बड़े लिमिटेड स्केल पे रह के पढ़ते हैं और वहां पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जहां से दिल करता है वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं। सामो ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है कि और आप ये ना कहिएगा कि जी मैं तो हिस्ट्री का स्टूडेंट ही नहीं हूँ तो मैं तो ये समझता ही नहीं, तो उन्हें ये होता है कि जनरल आइडिया ऑलराउंडर है ना तो जनरल आइडिया तो इसे होना चाहिए। तो ये मनसबदारी बड़ा ज्यादा पूछा जाता है। इसमें दो चीजें हैं, एक तो है सात और दूसरा है सवार। सात का मतलब ये होता था एक मनसबदार के पास कितने सोल्जर्स हैं, समझ आ गए कि नहीं, एक मनसबदार के पास कितने सोल्जर्स हैं, तो नंबर ऑफ सोल्जर कौन डिफाइन करता था? सात। और सवार का मतलब क्या है? कितने घुड़सवार हैं, हॉर्स विद मैन, हॉर्स मैन। और ये दोनों चीजें मिलकर उस मनसबदार का रैंक डिफाइन करती होती थी, समझ आ गए कि नहीं, कि ये इस रैंक का मनसबदार है, फर्स्ट रैंक का मनसबदार है, सेकंड रैंक का मनसबदार है, थर्ड रैंक का मनसबदार। क्लियर हो गई बात? अब ये मनसबदार क्या करते थे, उस रीजन से टैक्स कलेक्ट करते थे और इन दोनों को पालते थे और बाकी का जो पैसा है वो किसे देते होते थे? स्टेट को देते थे, अकबर को ज्यादा था और अकबर देन इनको पे करता होता था, सैलरीज देता था, समझ आई कि नहीं। और इससे फायदा पता क्या हुआ, इस चीज से फायदा ये हुआ, ये उसका अपना सिस्टम था ताकि जो लोकल पीपल हैं वो स्ट्रांग ना हो, जैसे आगे आगे होगा जब ये मनसबदारी सिस्टम खत्म हो जाएगा तो जो लोकल लीडर हैं वो अपने रीजन के अंदर खुद टैक्सेशन कलेक्ट करेंगे और जब वो खुद टैक्स कलेक्ट करते करते अपनी आर्मी बना लेते थे, अपने घोड़े और सारा कुछ तैयार करके जो मेन स्टेट होती थी उसके खिलाफ क्या होते थे, बगावत कर देते थे। तो उस फियर को खत्म करने के लिए, उस डर को खत्म करने के लिए इसने ये इंट्रोड्यूस करवाया। और फिर ये नहीं था कि जितने पैसे आ रहे हैं वो सारे आप अपने पास रखें, नो, इसने कहा कि मैं आपको पे दिया करूंगा, तो ये सारा टैक्स खुद ले लेता था और देन इनको पे करता था, सैलरी देता था। तो ये था इसका मनसबदारी सिस्टम या एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम भी होता है, ऑनलाइन वाले भी लिख लें इसको मनसबदारी सिस्टम। अच्छा, नेक्स्ट जो ये डेवलपमेंट करता है, अगेन देखें इधर, तो सारे अटैक किधर से हो रहे हैं? बुलान और खैबर वाले से। तो ये क्या करता है, खैबर और बुलान वाला जो पास है उसको क्या कर देता है, ब्लॉक करवा देता है कि आइंदा अगर कोई अटैक हो तो यहां से तो ना हो ना कम से कम। तो यहाँ पे आउटपोस्ट बना के ये वाले ब्लॉक जो है बुलान और खैबर को ब्लॉक किया जाता है। के अंदर क्या इंट्रोड्यूस करवाता है, दीन इलाही। ये इंट्रोड्यूस करवा देता है। समझे इसको, ये क्या था,
एक्चुअली लिबरल थॉट्स का मालिक था, ठीक है, और इसके घर में जितनी भी प्रिंसेस थी वो राजपूतों की थी, ठीक है, ज्यादातर जो है हिंदू राजपूतों की जो बेटियां थी वो ज्यादा से ज्यादा इसकी वो जो है हर्म है वहां पे हुआ करती थी, तो प्रो हिंदू पॉलिसीज भी इसकी थी। दोनों को मिला के हिंदुइज्म को और इस्लाम को एक ऐसा सोशल ऑर्डर क्रिएट करना चाहता था जिससे जो है ये दोनों हिंदू मुस्लिम जो कंट्रोवर्सी है ये क्या हो जाए, खत्म हो जाए। और इसके लिए जो इसने अपना एडवाइजर रखा हुआ था अब्दुल फजल है उसका नाम, सम टाइम अबुल फजल भी बोलते हैं और सम टाइम उसे क्या बोलते हैं, अब्दुल फजल भी बोलते हैं। डिस्कशन होती है जी पूरी इसके ऊपर, दीन इलाही के ऊपर, किस तरह सोशल स्ट्रक्चर जो है वो रिवाइव करवाया जाए, और उसमें फिर जो है अगेन जजिया खत्म कर दिया जाता है क्योंकि उसका ताल्लुक किसके साथ था, इस्लाम के साथ, तो वो खत्म करके इक्वल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट देता है कि नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेस ऑफ द रिलीजन। ओके, तो यहां से अगर कोई कोट करना चाहे अपने एसे के अंदर कि अगर कोई मुस्लिम रूल को, तो यहां से जजिया खत्म कर दिया जी, नो जजिया, इक्वल जो है सिटीजनशिप है जी सबकी। जजिया इस्लाम में क्या होता है जी, टैक्स है, नॉन मुस्लिम पे करते हैं उसे जजिया कहते हैं, यानी कि इस्लामिक स्टेट के अंदर अगर कोई नॉन मुस्लिम रह रहा है तो ये आपने इस्लामियात में पढ़ा होगा जजिया किराज कुशर, तो वो डिफरेंट क्या है, टैक्स है जो इस्लाम इम्पोज करता है नॉन मुस्लिम के ऊपर, तो नॉन मुस्लिम जो टैक्स पे करते हैं स्टेट को फॉर देयर ओन सिक्योरिटी उसे जजिया कहते हैं, और जब कोई नॉन मुस्लिम जजिया दे दे और देन उसका कत्ल हो जाए तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है जी, स्टेट खुद है। हजरत उमर के दौर में भी यही चीजें और रोमन एम्पायर को आपने सबोताज करके हमने उनके ऊपर रूल किया था तो वो सारे लोगों को क्या कहते थे, जजिया दे और सुकून से रहते रहे, नो जजिया और देन इक्वल सिटीजनशिप इसमें निकल गई। ये 82 की सारी डेवलपमेंट है। यहां से एक और चीज भी याद रखनी है, मुगल का पीरियड और सिखिज्म का पीरियड दोनों तकरीबन साथ साथ चलते हैं। सिखिज्म स्टार्ट होता है 1500 के अंदर, गुरु नानक जो है वो 1500 से पहले, वैसे 1499 आई थी, 1469 है, ननकाना में पैदा होते हैं गुरु नानक। यहाँ पे इसको जेहन में रखना है क्योंकि यहाँ पे सिखों के और इनके बड़े कंफ्लिक्ट चलेंगे, पूरा लेक्चर वाइंड अप हो जाएगा। तो गुरु नानक के बारे में ये है कि उसको दोनों स्कूल ऑफ थॉट मानते हैं, मुस्लिम भी मानते हैं लेकिन हम तो अब नहीं मानते, लेकिन अगर उनकी हिस्ट्री पढ़े तो वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, मुझे थोड़ी अपीलिंग लगती है कभी कभी कि इतनी बुरी नहीं थी एक्चुअली, और उसके जो हुई थी परवरिश भी हुई है वो मुस्लिम खानदान के थ्रू हुई थी, और जिस तरह सूफीज्म पहले चला आ रहा था कहते हैं कि वो उसी तरह का एक सूफी ही था। तो ये पैदा होता है 1469 के अंदर ननकाना में, और इसकी जो मौत होती है या मरते हैं ये लास्ट में करतारपुर में 1539 के अंदर। थोड़ा सा यहाँ पे सिखिज्म के बारे में देख लें क्योंकि आगे कंफ्लिक्ट इन्हीं के बारे में चलना है। सिखिज्म वाले जो है ये एक्चुअली हिंदुइज्म से ही था अगेन, ठीक है, घर हिंदुओं के पैदा हुआ है लेकिन परवरिश इसकी किसने किया है जी, मुसलमानों के हाथ प्रवेश होती है थोड़ी बहुत। उसके बाद ग्रो करते करते सिखिज्म की 1500 के अंदर आके जिस सिखिज्म को प्रमोट करना शुरू कर देता है और 1539 के अंदर आके इसकी डेथ हो जाती है। जब इसकी डेथ होती है तो गुरु ग्रंथ के अंदर जो इनकी मजहबी किताब है उसके अंदर ज्यादातर श्लोक किसके हैं, बाबा फरीद के हैं, ठीक है। तो जब 1539 के अंदर डेथ होती है तो हिंदुइज्म वाले ये कहते हैं कि ये हमारा फॉलोअर था, हमारा लीडर था, स्पिरिचुअल लीडर था, और हम इनकी चिता को आग लगाएंगे। और दूसरी तरफ जो मुस्लिम्स हैं उनके दरमियान कंफ्लिक्ट था कि ये जो है ऐसा नहीं होगा, ये मुस्लिम रूल्स को फॉलो करता था और एक मुस्लिम स्पिरिचुअल था, तो इसीलिए हम इनको आग नहीं लगाएंगे, हम इनको दफनाएंगे।
तो ये कहा जाता है कि इन दोनों के दरमियान कंफ्लिक्ट चलता रहता है, एक रात को दूसरी रात जब वो चीज की जाती है कि सुबह दफनाना होता है और वो यानी कि अभी लड़ाई चल ही रही होती है, तो अगला दिन जब शुरू होता है तो उनकी जब चादर हटाई जाती है तो कहते हैं कि वहां पे उनकी लाश नहीं थी, वहां पे वो फूल बन चुकी होती है। देन उसके बाद उन फूलों को डिवाइड कर लिया जाता है, वो आधे फूल जो है अपने उनको आग लगा देते हैं और जो इनके आधे फूल होते हैं ये उनको दफना देते हैं, वहां पे आज भी कब्र मौजूद है और यहीं पे इक्वल डिवीजन होती है किसकी, पंजाब की। तो क्या बता दो तो वो जला देते हैं, आग भी जलाते हैं वो अपनी लाश, बाद में फिर वो दोनों चीजों को फॉलो करते आ रहे हैं, लेकिन एक्चुअली जो है वो जलाया जाता है सिखिज्म के अंदर, ठीक है। हिंदुइज्म वाले फॉलोअर है तो वहां पे ही आज वो कहते हैं कि जहाँ पे गुरु नानक को डिवाइड किया गया था वहां पे पंजाब डिवाइड हो गया, आधा पंजाब उधर आधा पंजाब इधर। तो ये करतारपुर में कब हुआ, 1539 के जहां से फिर आगे सिखिज्म भी आ गई है। अभी सिखों का भी इनके साथ मसला आएगा तो मैं अभी बताऊंगा आपको। तो नो जजिया, इक्वल सिटीजनशिप, दीने इलाही हो गया, बुलान पास, मनसबदारी सिस्टम हो गया, एडवाइजर इसका बहराम खान है, और कोई चीज मेरे ख्याल में इसकी पॉलिटिकल डेवलपमेंट और सोशल डेवलपमेंट की है। सती को इसने बैन कर दिया था, सती समझते हैं, सती को समझते हैं, तो सती को इसने बैन कर दिया, बैन सती। चाइल्ड मैरिजेस के खिलाफ था, ठीक है, तो चाइल्ड मैरिज के लिए इसने एज लिमिट मुकरर की थी 14 साल फॉर गर्ल और 16 ईयर फॉर बॉयज। तो चाइल्ड मैरिज को भी अगेन अगर कहीं आज आप कोट करना चाहें तो आप कहें कि इस्लाम में, इस्लाम तो खैर नहीं कह सकते, मुस्लिम रूल के अंदर ये बात उस वक्त भी थी, तो ये चाइल्ड मैरिज की भी अगेंस्ट था। हिंदुओं के साथ बड़े अच्छे तालुकात थे इसके, ठीक है, तो ये उनको भी कन्विंस कर रहा था, इधर से मुस्लिम हिंदू बड़े खुश थे इसके पीरियड में, और इसके घर का सारा माहौल जो है वो तकरीबन हिंदुइज्म को फॉलो कर रहा था, इसीलिए कोई इतना बड़ा रिएक्शन नहीं आया, लेकिन फिर भी चलती रही है सती, बाद में भी चलती रही है, ये तो अंग्रेजों ने आके बैन। उसके बाद चाइल्ड मैरिज के ऊपर भी इसको लिख लें, रिलीजियस प्लूरलिज्म को बड़ा सपोर्ट करता था ये बंदा, मैंने शुरू में बात के तक बताई कि रिलीजियस प्लूरलिज्म, तमाम रिलीजन क्या कहता था, अपनी अपनी बात चलाते रहे। ये वैसे 1500 में सिखिज्म स्टार्ट हुआ था, तो अब सिखिज्म मैच्योर हो चुका है, तकरीबन 100 साल हो गया है ना, तो जब ये सिखिज्म की तालीमात यहाँ पे फैल रही थी तो गोल्डन टेम्पल जो है कहाँ पे है, अमृतसर के अंदर, तो उसकी लैंड जो है ना वो अकबर ने उन्हें दी, समझ आई कि नहीं। तो अगेन देखें रिलीजियस प्लूरलिज्म को करती है, सिखिज्म वालों को कह रहा है चलो ठीक है आप उनको फॉलो करते हैं कोई मसला नहीं है, ये लैंड है यहाँ पे आप अपना जो है वो बना ले। तो गोल्डन टेम्पल बड़ी मशहूर मुकदस जगह है उनके लिए, सिखों के लिए, तो वो किसने गिफ्ट की थी, अकबर ने गिफ्ट की थी। तो यहाँ पे लिख लिख दू यार लिख लिख was gifted by कोई इतनी मुश्किल चीजें नहीं है, थोड़ा डेड पोर्शन है, लेकिन जो कहता है कि डेड पार्ट ऑफ द हिस्ट्री एंड डेड चैप्टर ऑफ द बुक्स आर ऑलवेज अमेजिंग, ठीक है, दोनों मुश्किल चीजें जो होती है वो हमेशा मजेदार होती हैं, इंटरेस्टिंग होती हैं। तो ये थोड़ा सा है डेड, लेकिन आई थिंक आपको इसका आइडिया जरूर होना चाहिए। बस आज के लेक्चर भी है, कल इंशाल्लाह हम 57 तक पहुंच जाएंगे, तो देन आपकी मर्जी की बात होंगी। ब्रेक करना है ना बच्चों, बात 40 पर्सनल।
Thank you.
सुने जहांगीर अकबर का बेटा है और जहांगीर के आगे दो बेटे हैं, एक है खुसरो मिर्जा और दूसरा है
खुर्रम या शाहजहां से, ठीक है। और इसका जो बड़ा बेटा है वो क्या है, खुसरो मिर्जा, ठीक है। दादा सलीम वो आगे इसी का नाम बताता हूँ, खुसरो मिर्जा और साथ में खुर्रम या शाहजहां। और ये दोनों किसके बेटे हैं, जहांगीर, ठीक है। ये जो है खुसरो मिर्जा, इसकी और जहांगीर की वार होती है बाप बेटे की। अभी बेटे बाप को तो मिली ही नहीं है, बेटा पहले कहता है कि मैंने आपको ओवरलुक करना। तो जहांगीर जो है सॉफ्ट कॉर्नर रखता है किसके लिए, खुर्रम के लिए, क्योंकि ये ओबीडियंट बच्चा है, ठीक है। यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें होती है। खुसरो मिर्जा जो है ये हमेशा से बाप के साथ जो है कंफ्लिक्ट में रहता है, और देन दोनों की वॉर होती है, और वॉर के बाद जो है जहांगीर जीत जाता है, और जो पावर है वो किसके पास चली जाती है, जहांगीर के पास चली जाती है। खुसरो मिर्जा जो है इसे कैद में डाल दिया जाता है, और फिर 1612 के करीब 13 के करीब इसको बड़ी मिन्नत तरले करवा के अवाम जो है करवाती है, और देन इसको जो है बाद में एक और भी हो जाता है, लेकिन इसके साथ एक और भी देखते हैं। जहांगीर एक तरफ है, खुसरो मिर्जा को सपोर्ट कर रहा है गुरु अर्जुन, ठीक है। यानी कि इधर बल्कि हटा दे, इसको हटा दे, ये ब्लॉक इधर बना ले, जहांगीर प्लस इसके साथ कौन है, खुर्रम या शाहजहां, और इधर वर्सेस में कौन है, खुसरो मिर्जा, और इसे कौन सपोर्ट कर रहा है साथ में, गुरु अर्जुन, पांचवा गुरु है ये सिखों का। जब ये जीता है जहांगीर, इसको तो कैद करवा लेता है, और ये गुरु अर्जुन जो है इसे ये असैसिनेट करवा देता है, मरवा देता है। और कहां पे मरवाता है ये बताएगा, लाहौर में बादशाह मस्जिद के साथ इंटर होते ही गुरु अर्जुन का वहां मकसद है, पर्सनल ऑब्जर्वेशन आप लोगों की बहुत काम है, जाए ना बादशाही मस्जिद में जो इंटर ले, तो नुक्ते के ऊपर ही क्या है, गुरु अर्जुन देव जो है पांचवा गुरु है सिखों का, और वो एक्चुअली सपोर्ट कर रहा था खुसरो मिर्जा को, और गुरु अच्छा ये भी यहाँ पे देखिए, शाही किला भी उसने अकबर ने ही बनवाया था, दिख रहे दोस्तों। तो ये जो है खुसरो मिर्जा जो है इसको कौन सपोर्ट कर रहा है, गुरु अर्जुन, और ये वाले दो बाप बेटा जो है ये भी उसका बेटा है लेकिन बाप के अगेंस्ट लड़ रहा है, तो इसीलिए बाप बेटे वाला ताल्लुक खत्म है, अभी तो दुश्मनी चल रही है तो वॉर होती है। तो इसको पहले जो है क्या कर दिया जाता है, इम्प्रिजन कर दिया जाता है, और इसको क्या किया जाता है, मरवा दिया जाता है। इस तरह सिखों के अंदर एक एनिमोसिटी प्रोड्यूस हो जाती है अगेंस्ट मुस्लिम, समझ आ रही है, वहां से ये हमारा कंफ्लिक्ट चलता आ रहा है सिखों के साथ, ठीक। एनिमोसिटी दुश्मनी, ANIMOSITY, गुरु अर्जुन जो है ये तो मर गया, खुसरो मिर्जा बच गया, तो देन बाद में इसको इजाजत दे दी जाती है कि आप दरबार में आ जाया करो, 1613-14-15 में 18 तक ये चलता रहता है, लेकिन खुर्रम से ये बर्दाश्त नहीं होता, ठीक है। बाद में जहांगीर खुर्रम को कहता है कि तुम इसे भी मरवा दो, तो पहले ये साहब गए अब ये साहब गए, तो ये 1622 के अंदर इसे भी असैसिनेट करवा देते हैं। देख ले ये भाई बाप क्या कर रहे हैं आपस में,
ये भी गया, ये भी गया, तो पूरा ब्लॉक का क्या कर दिया, सफाया कर दिया। किसने मरवा दिया? तो जहांगीर ने। बाप ने बेटे को क्या किया, खुर्रम को, दोनों बाप बेटे ने, ठीक है, रस्ते में ही वैसे हो, ऑर्डर जहांगीर ने दिया था खुर्रम को, खुर्रम ने आगे अपनी फौज से कहा और उन्होंने रस्ते में कहीं जा रहे थे तो असैसिनेट करवा दिया। चलो 1622 समझ आ गई यहाँ तक? नहीं, अब जहांगीर पावर में आ गया है, पावर में तो पहले ही था लेकिन ये इसके कंट्रोवर्सी थी। तो गुरु अर्जन जो है पांचवें गुरु है इनके, आगे गुरु गोबिंद आएगा तो उसके साथ भी इनकी लड़ाई होगी। यहाँ से सिखों के दरमियान एक कंफ्लिक्ट है, गुरु अर्जन पांचवा गुरु। वैसे इसकी स्टोरी और भी है थोड़ी सी, अगर कोई पढ़ना चाहे तो प्रसाद को देख लीजिएगा, लेकिन मेन कंफ्लिक्ट यही था कि गुरु अर्जुन को जो है दरबार में बुलाया जाता है, उससे कहा जाता है कि तुम जस्टिफिकेशन दो कि तुमने ये जो है ब्रिटिश फोर्ट की है रिवोल्ट में साथ दिया है, उसका हिस्सा था। वो कहता है नहीं मैंने नहीं दिया, तो वो जस्टिफिकेशन से सेटिस्फाई नहीं होता, जहांगीर तो बाद में उसे दबा देता। जिस तरह सिखों के अंदर एक जो यहाँ पे सॉफ्ट कॉर्नर प्रोड्यूस किया था अकबर ने, वो यहाँ पे क्या हो गया, खत्म हो गया। तो वो रिलीजियस प्लूरलिज्म को सपोर्ट कर रहा है तो ये भी लिबरल, लेकिन क्रिटिकल इंटरेस्ट के लिए, पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए इसने क्या किया, सिखों के साथ एनिमोसिटी वाला एनवायरनमेंट क्रिएट किया। सिखों के कोई पेट में नहीं है कि वार नहीं लड़नी। गुरु गोबिंद ने आर्मी बनाई थी तो वो कहता है कि एक एक सिख लाख लाख फौजी के बराबर हो गया। सिखों के रिलीजन को जाके दोबारा पढ़ना, गुरु गोबिंद सिंह को जाके पढ़ना, उसने मिलिट्री बनाई थी ना, उसने सबसे पहले प्रचार यही किया था। और आज भी उनके हाथ में डांग वाला सिस्टम है ना, वो जो हाथ में ये और कड़ा और ये सिंबल, ये सारे सर उनके जो है फॉर वॉर एंड एग्रेशन है। और यही तो वजह है उसके बाद रंजीत सिंह को देख ले, अगर मजहब में नहीं था तो क्या क्या कर गया। अभी मैं बताता हूँ आपको, सिखों के मजहब में ये बात नहीं है, अगर आपने कहीं पढ़ी है तो, मैंने नहीं पढ़ी वैसे, अगर आपने पढ़ी है तो आप मुझे बता दीजिएगा। गुरु गोबिंद नहीं नहीं नहीं, मैंने उस दिन भी आपको बताया था तो मैंने वो कल भी बताया था, तो बुद्धिज्म जैनिज्म और हिंदुइज्म के मैंने बताए थे कि बुद्धिज्म रिलीजन ऑफ पीस टॉलरेंस इस तरह के, उसके लिए वर्ड यूज होते हैं, सिखिज्म के लिए कभी भी ये वर्ड यूज नहीं होता। और अगर ऐसा होता तो उनके, हालांकि जहां उनका खुद गुरु कह रहा है, ये उसके गुरु के अल्फाज है, गुरु गोबिंद सिंह के, वो कहता है एक एक जो है वो 100-100 फौजियों के बराबर है, यानी कि बाकी के जो रिलीजन के, तो ये गुरु गोबिंद सिंह ने ऑर्गेनाइज की आर्मी और साथ में कौन है जी, खुसरो परवेज मिर्जा सर, दोनों को बर्बाद के ये काम होता है। अगला जो फेज है इसका एक्सपांशन का है, एक्सपैंड करते हैं एम्पायर को, और अफगानिस्तान वाला जो रीजन है और नीचे जो ईरान वाला रीजन है, यहाँ पे क्या करता है, अटैक करता है, वहां पे अटैक करता है, वहां पे एक पठान है, पश्तून है, उसकी हुकूमत है जी, उसको शेर अफगान भी कहते हैं, उसको ये हराता है और उसकी बेटी और उसकी बीवी दोनों को बांदी बना के लेके आता है दरबार में। वो कौन शख्सियत है, जिसका मकबरा है, ठीक है, तो ये उसकी बीवी थी, ठीक है, वो नूरजहां जो है, ये वाली नूरजहां नहीं, वो वाली नूरजहां है, तो नूरजहां और उसकी बेटी है लाडली बीवी, ठीक है, दोनों को कैप्चर करके लेके आते हैं कहां पे, सल्तनत में, दिल्ली सल्तनत में, और वहां पे कैप्चर काम कर लेता है जहांगीर। उसके बाद ये और के बाद 3-4 साल तक 6 साल तक यानी कि इसका कोई इंटरेक्शन नहीं होता जहांगीर था उसके साथ। 6 साल के बाद एक दफा वो बाजार से गुजर रही होती है, फैंसी बाजार, तो वहां पे उसका इंटरेक्शन होता है जहांगीर के साथ, तो जहांगीर जो है वो उसको कहता है कि आप उससे शादी कर, तो वहां पे मलका नूरजहां जो है उसकी और इसकी ऑफिशियली क्या हो जाती है, शादी हो जाती है, और बाकी की लाइफ इसकी लव स्टोरी में गुजर।
एक बात ये भी है, लेकिन अगर ये बात को सही मान लिया जाए, अगर वो शादी करने के लिए इतना ही बेताब था तो फिर 6 साल उसने वेट क्यों किया? ठीक है, इसीलिए उस किस्से को थोड़ा सा जो है वो निगेट करते हैं। यानी कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उसका चर्चा हुसैन का इतना ज्यादा था कि जहांगीर को पता चला कि इस तरह की है नहीं। ये थोड़ा जो है हिंदुइज्म वाले वो ज्यादा प्रमोट करते हैं, लेकिन जो थोड़े इम्पार्शियल हिस्टोरियन है वो इससे ये वाला पॉइंट प्रसाद यही बात करता है कि अगर उसको इतनी बेचैनी थी कि मैंने उसको मरवा के इतनी अंपायर को तबाह कर कर आके सिर्फ मलका को ही लेना था तो फिर 6 साल तक तो वो शादी नहीं करता उससे, और अगर यही चीज होती तो फिर वो फौरन उससे शादी कर लेता। ठीक है, और शिवाज नहीं मलका तो मान ली तो टाइम नहीं लगाया मानने में, और मलका ने आगे बड़ा एक्सप्लॉइट किया। मलका ने फिर इसको और तिगनी का नाच बचाया कि आपकी सोच है। ठीक है, वो तारे क्या मैं कहता तो बहुत कुछ दिखाया। तारों में ये था कि तो उसकी बेटी लाडली बेटी बेगम आई थी ना साथ, उसने फिर कॉन्स्पिरेसी स्टार्ट करवा दी थी आगे। यानी कि वो कहती थी कि पहले मैं मलका रही हूँ, आगे मेरी बेटी भी मलका रहे, आगे खुरम की और उनकी आगे लड़ाई होती है, मैं अभी बताता हूँ। तो ये आगे कॉन्स्पिरेसी स्टार्ट कर देती है। कौन से शहजादा सलीम? ये इसके लिए यूज होता है, खुरम के लिए, मैंने बताया तो है। ये असल में सलीम एक टाइटल था, जैसे आजकल नहीं हमने इनमें से अक्सर ये भी एक आगे आगे भी जो है वो अभी 13वें नंबर पे जो आया था उसका नाम भी बहराम टाइटल, वो भी सलीम यूज करता था। तो ये एक टाइटल के तौर पे ये भी कुरम भी करता रहा। ठीक है, शाहजहां तो वो शहजादा सलीम और अदार कली वाला भी एक था, तो वो भी आपने मान में साइलेंटली। तो यहाँ पे तो नीचे आ रहे हैं, नीचे आ रहे हैं अभी। नहीं, इधर दोबारा सुन ले जी। ये असल में मैंने तीनों नाम उसके तीसरा भी मैंने लिखा नहीं इसी तरह ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए, खुरम या शाहजहां। वो मुमताज बेगम आगे आने वाली है, वो उसके लिए अलग बात करेंगे। ये नूरजहां है, सारे ना मिक्स करो ना, सफर कर चुका है वो, उस वक्त का भी जिक्र करके आगे थोड़ा सफर करें आगे, उसकी भी स्टोरी बताता हूँ। एक अच्छा सुने नहीं, अब क्या है वो शेर अफगान जो है उसको असैसिनेट या जो भी कर करवा के देन ये 4 साल के बाद, और थीसिस यही है कि वो जो आपके तक का क्वेश्चन है उस पर अगेन यही कंट्रोवर्सी जाती है, इस तरह की कोई बात नहीं थी, एक्चुअली एक्सपेंशन करना था और ये एक्सपेंशन का माहिर था क्योंकि अकबर भी एक्सपेंड करता जा रहा था तो ये भी क्या कर रहा है, एक्सपेंड ही कर रहा है। तो यहाँ पे क्या है जी, नूरजहां का रोल है, ये ठीक ठाक तरह की लेडी थी। ठीक है, इसने बड़े काम करवाए, इसको बीवी थी, उससे एक बेटी भी है इसकी, लाडली बेगम या लाडली बीवी जो वो उसकी बेटी है। जहां पे सुने जी, कपड़े पहनने का इसको बहुत शौक था तो अच्छे से अच्छा मलमल जो है एम्ब्रॉयडरी करवाती थी, वो फैशन सेटर भी थी, ट्रेंड सेटर जो जैसे नहीं होते तो ये बड़े सगीर के अंदर ट्रेंड सेटर थी, ज्वेलरी के बड़े बड़े इसके ट्रेंड सेटर थी, ज्वेलरी के ऊपर बड़े बड़े डिजाइन बना के देती थी लोगों को और उनसे कहती थी कि इस तरह की एम्ब्रॉयडरी करके दे आए, इस तरह का काम करके दे आए, तो ये सारा कुछ करती थी। उसके अलावा थोड़ी सखी भी थी, खुले दिल की थी, ऑर्फन गर्ल्स जितनी भी थी यतीम बच्चियां उनकी शादियां भी करवाती थी। ठीक है, कोई भी इससे कुछ मांगने आ जाता था तो कहती थी चलो ठीक है ले दो, कोई मसला नहीं है। तो इस तरह की यानी चिट मैन, इस तरह की इसका लाइफ है। बाकी पॉलिटिकली बड़ी तेज, पॉलिटिकल इसकी जो है अंडरस्टैंडिंग ज्यादा फॉर स्ट्रेटजीज को समझती थी, पॉलिटिकल एनालिस्ट थी। तो यहाँ पे पॉलिटिकल एडवाइजर भी है किसकी, जहांगीर की। जहांगीर हर बात इससे पूछ के कर रहा है, दोनों मरे भी साथ साथ ही, आज भी वो थोड़ा सा डिफरेंस है बीच में, मकबरा जहांगीर और नूरजहां में, तो दोनों लाहौर में ही दफन हुए हैं, तो भी बात करते हैं। नूरजहां के बाद एक और ट्विस्ट यहाँ पे देख लेंगे, ये कोई इतना रिलीजियस टाइप का बंदा नहीं था, ये दोनों ठीक है, पारसी मजहब जो है और हिंदू मजहब के जो फेस्टिवल है उनको भी ये प्रमोट करता रहता था, रिलीजियस प्लूरलिज्म को यानी प्रमोट करता था।
शेख अहमद सरहिंदी जो है जिनको हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, उनके साथ इसकी नहीं बनती थी और उसको कैद भी करवा दिया। ठीक है, शेख अहमद सरहिंदी कौन ये? हाँ वो इसीलिए तो बता रहा हूँ, दोनों लिबरल हैं तो जो भी इस तरह की बात करेगा उसके अगेंस्ट ही ये खड़े होंगे। Your teachings of Sheikh Ahmed Sirhindi were जो है disposed by that, इस तरह की बात कुछ phrase या sentence लेके was detained या imprisoned या जो भी आप sentence बनाना चाहते हैं देखिए कैसे वाइस करते। इसके साथ next जो काम करता है ये गुरु गोबिंद सिंह जो है उसको फिर ये करवाता है डिटेन, और वो फिर उससे निकल के डिटेंशन से बाद में वो अपनी मिलिट्री बना लेता है। वो खालसा जो कंसेप्ट है वो कहता है ठीक है आप चलो लड़ते हैं आपको बताते हैं हम क्या है। तो गुरु गोबिंद सिंह की डिटेंशन भी इसी ने करवाई। गुरु गोबिंद यहाँ पे उसका भी जिक्र कर रहे हैं। उसके साथ सबसे जो बड़ा ये सत्यानाश करता है इस मुल्क का और इस रीजन का वो ये है कि फर्स्ट टाइम गोरों को ये अलाउ करता है कि आप क्या क्या कहते हैं ब्रिटिश को। 1608 के अंदर कैप्टन विलियम हॉकिंस 3 साल तक इसके दरबार में रहता है और देन उसके बाद जो है ब्रिटिश यहाँ पे पेनिट्रेट करना शुरू करता है। समझ आ रही कि नहीं? लेकिन उस वक्त उन्हें परमिशन नहीं मिलते, लीगल परमिशन से लिया। विलियम हॉकिंस ये एमसीक्यू भी पूछते रहते। ही वाज द फर्स्ट मैन इन द कोर्ट ऑफ जहांगीर, 3 साल तक वहां पे रहते हैं, जहांगीर से क्या कर देता है परमिशन दे देता है और ये एक्सपेंशन करना ये पेनिट्रेशन करना स्टार्ट करता है। अयाश टाइप था, इतना कोई अच्छा नहीं था बहुत ज्यादा अगर आप कहें तो यही वजह से विस्की बहुत ज्यादा पीता था, शराब नोशी बहुत ज्यादा करता था। हालांकि एक दफा इसने वादा कर दिया कि आइंदा शराब को हाथ नहीं लगाना, लेकिन दूसरे दिन ही वो वादा टूट गया और फिर शराब पीना शुरू कर दिया। ठीक है, क्योंकि इसके जो मुशीर थे उन्होंने कहा था कि अगर आप शराब पियोगे तो आपकी डेथ हो जाएगी, कहता मौत तो आने जाने वाली है शराब तो नहीं मिलेगी तो ये फिर से शराब पीना शुरू कर देता है। उसके बाद इसकी तकरीबन डेथ हो जाती है और ये मर जाता है। अब जब ये मर जाता है आगे थोड़ा मामला साफ है क्योंकि खुरम ने ऑलरेडी क्या किया हुआ है अपने भाई को मार के रास्ता साफ किया हुआ है, तो डेफिनेटली अपकमिंग जो किंग है वो कौन है? खुरम है या शाहजहां? अब वो आपके बाद शाहजहां वाली भी आते करें। ये नूरजहां वाली बात तो समझ आ गई ना? अच्छा वैसे ये थोड़ा सा सुन लीजिएगा कि नूरजहां फिर इतनी भी अच्छी नहीं रही है। ठीक है, वो पोलिटिकली बहुत तेज थी तो वो जो है ना इसके आगे बेटे थे स्टेप सन्स में भी आते थे, यानी कि शाह नूरजहां के जो स्टेप सन्स थे यानी कि उसके सौतेले बेटे जो थे उनमें से एक को इसने हाथ पे कर लिया शहरयार को, उसे कहा कि लाडली बेबी जो है ना इससे तुम्हारी शादी करवाती हूँ और देन तुम्हें पावर भी लेके दू। तो जो शाहजहां है या खुरम है उसने कहा तुम ये कौन होती है डिसाइड करने वाली, मैं इतने अच्छे से ऐसे अपने भाई को मरवा के करता हूँ जो अगर लाडली बेबी ने सारा डिसाइड करना है। तो खुरम थोड़ा सा तेज है होशियार है तो वो शहरयार को रस्ते से साफ करके अपनी हुकूमत को भी एस्टैब्लिश करता है। ठीक है ना, तो उसने बड़ी एफर्ट की थी उसकी मां ने। वैसे लाडली उसके साथ शादी करके तो थोड़े दिन रहती है फिर उसके बाद वापस कहीं चले जाती है। ये 1608 में ये पीरियड थोड़ा इम्पोर्टेंट है, देखिएगा वैसे ये वाली हिस्ट्री तो ऐसे ही लगती जैसे कि मूवी देखते हैं। अच्छा जी नंबर 14 पे आके जी शाहजहां आ जाता है, वो 1625 है। शराब पी के बताया तो है गुर्दे फारिग हो जाते हैं, डॉक्टर कहते हैं कि ना पीना,
लेकिन वो फिर भी पीता रहता है तो डॉक्टर भी तभी उसके फिर मर जाता है। अपने भाई को मारने के बाद अब ये नेक हो गया। अभी आगे देखेंगे तो बड़ी उससे भी मर्द होते तो आज से आगे होंगे। अभी तो क्लाइमेक्स आ रहा है इस मूवी का, ठीक है। अभी तो ये स्टार्ट हुआ है। ये शाहजहां जो है इसकी थॉट चेक करें जी। ये कहता ये है कि मेरे जो पीछे जो अदा और वो वाले थोड़े लिबरल थॉट के थे। अकबर उस वक्त जिंदा था जब ये पैदा हुआ था शाहजहां, ठीक है। ये वैसे तीन बारियां मैं आगे बताता हूँ जहाँ पे बड़ा हमारा फैमिली सिस्टम भी आएगा। जैसे हमारे नहीं होता बहनों की थोड़ी दुनिया होती है भाइयों के लिए, एक भाई को अच्छा समझती है दूसरे को कहती है नहीं ये वाला ठीक नहीं है। यहाँ पे पूरी स्टोरी वो भी आनी है। अभी इतना अभी पैदा जब हुआ तब से इतना ना लंबी चलान है। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ जब पैदा हुआ था ये ये वाला नहीं नहीं पावर में वो नहीं आया था। अभी शादी तो पहले हो गई थी ना, पावर में बाद में आ रहा है। थोड़ा दिमाग को क्लियर रखे, पावर में बाद में आया लेकिन बेटा तो जिंदा था ना उससे पहले ही इसकी, यानी पावर में आने से पहले शादी हुई थी उससे पहले ही इसके ये पैदा हुआ था। उसके बाद जो तीनों बेटे थे ना इसके वो इसके होते ही पैदा हो गए थे, ठीक है। वैसे वो भी मैं बताता हूँ उस बेचारे की मौत कैसे हुई है मुमताज बेगम की, वो मैंने जो मेटाफर डेथ का बताया ना पॉपुलेशन के अंदर, तो वो मैं अभी बात बताता हूँ आपको। तो यहाँ पे होता ये है कि ये तीन इसके भाई हैं वैसे शुका ये, और देन उसके बाद जो तीन इसके बेटे आते हैं आगे उनके साथ लड़ाई होती है। तो ये जो इसका भाई था वो मिर्जा जो है, उन तीनों में से शाहजहां जो है ये ज्यादा क्लोज था अकबर के, अकबर इसे बड़ा प्यार करता था। तो पहले दिन से यानी कि ये घर में थोड़ा एप्पल था, गोल्डन एप्पल, तो इस तरह की इसकी ट्रीटमेंट होती है शाहजहां। और ये अपने सारे भाइयों को मार मरा के तक गया ऊपर आके बैठा है। ये वाला भी और इसके साथ जो होती है अभी आगे देखते रहते हैं। अभी इसके साथ क्या होगा शहर यार को भी, अच्छा शहर यार का मैंने बताया ना आपको, तो वो शहर यार जो है उसको वो दी थी उसने अपनी लाडली दे दी, तो इसने शहर यार को मरवा दिया। तू भी रेस्ट कर, ठीक है। किस तरह के सीन में ये बादशाह 1627 से लेकर अठावन तक सबसे जो पहला पहला आते ये काम करता है, ये शादी करता है मुमताज बेगम से। आसिफ खान की बेटी है वो, आसिफ खान जो है वो फ्यूडल लॉर्ड है यानी कि जैसे जहांगीरदार था उसकी बेटी थी और बहुत खूबसूरत थी। तो जहांगीर ने वैसे ये फैसला किया, ठीक है ना, कि ये उसकी खूबसूरती के चर्चे बहुत ज्यादा थे। तो जहांगीर ने कहा था कि ये मैं अपनी बहू बनाऊंगा, तो उसने जो है ये देख ले पहले से चक्कर चलते आ रहे हैं जो फैमिलीज के अंदर डिसाइड होता है कि शादियां था वो कैसे। तो ये जहांगीर ने फैसला किया था कि शाहजहां की जो शादी है वो किससे होगी, मुमताज बेगम से। वैसे उसका असल नाम जो है चुमन बानो है और मुमताज बेगम बहुत लेवल किस्म की परहेजदार मुत्तकी नेक और अच्छी औरत है। अर्जुमन बेगम अभी उसके बारे में बता सकता हूँ। तो ये किसकी बेटी है, आसिफ खान की, और आसिफ खान क्या है डॉट, और इस तरह इनकी शादी हो जाती है।
जेनरस है, कहते हैं कि कोई भी इसके पास अगर आता था कुछ लेने के लिए तो वो कभी खाली हाथ नहीं जाता। फास्टिंग बहुत करती थी, रोजादार बहुत थी, अक्सर रोजे की हालत में रहती थी। मैंने रोजा ही उसके वालिद ने कहा था कि उसे लेने नहीं, तो मुझे उसके लिए बताया था उसके बाप का ये सारा काम। अच्छा होता है क्या सही बात? अभी मैं बताता हूँ इसकी फूलों का सही जो इसके साथ होती है। इसके साथ कहते हैं ना कि अच्छी वो उसके पाप बहुत जल्दी इसके सामने भी आ जाते हैं। अभी इसके गुनाहों का इसको दुनिया के ऊपर ही दिखेगा सब कुछ, अच्छी सबक तो कर लेते हैं बड़े जल्दी इसको आप दोस्त में देखना चाहते हो। मुमताज बेगम के साथ ही शादी होती है इसकी, ये एक वॉर पे होते हैं जी। वैसे तो इसके तीन बेटे और दो बेटियां हैं, और लेकिन एक चार है चौथा जो है वो एक आपकी आ रहा है। ये ओवर प्रेगनेंसी की वजह से इसकी डेथ होती है। 14 बच्चे की इसकी पैदाइश थी जब इसकी डेथ होती है, ठीक है। शाहजहां ये जो है और ये सात वॉर पे होते हैं, एक वॉर पे, तो वॉर में खेमे के अंदर जो है शाहजहां लास्ट टाइम इसको देखता है तो इसके हाँ वो 14 बच्चे की डेथ हो रही होती है। मैंने उस दिन बताया था ना कि फर्टेलिटी रेट भी हाई था उस वक्त और मोर्टेलिटी रेट भी हाई था, उसमें से मेच्योर बहुत ही कम होते थे। तो ये 14 बच्चा था और ओवर प्रेगनेंसी की वजह से ओवर ब्लीडिंग और देन उसकी वजह से इसकी डेथ हो जाती है। तो लेकिन शाहजहां ये जो है उसके बाद सकते से बाहर नहीं आता, तो इसके फिर तीन बेटे यानी तीन वो और चौथा औरंगजेब और दो बेटियां हैं, एक है जहां आरा और दूसरी है रोशन आरा। तो जहां आरा जो है वो अपनी अम्मी के साथ बहुत क्लोज थी यानी जो नूरजहां मुमताज बेगम है, तो बाकी की सारी जिंदगी फिर वो जो है उसी तरह मोहब्बत जो है वो अपनी बेटी से करता है जो जहां आरा है। और जो दूसरी रोशन आरा है उसको थोड़ा सा यानी कि कम मोहब्बत मिलती है तो फिर वो रिटेलिएट भी करती है, ठीक है। तो वो कहती है इसको ज्यादा इज्जत दे रहे हैं, मुझे कम इज्जत दे रहे हैं, तो वो फिर औरंगजेब के साथ मिलकर बाकी सब को मरवा देती है। अभी मैं बताता हूँ होता क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे जी अभी थोड़ा सा बस आए टाइम एडिशनल देंगे लेकिन इसको माइंड अप करेगा। अच्छा ये इसकी डेथ हो गई थी तो अब इससे आगे स्ट्रक्चर हम डिस्कस करते हैं। ये ना इनकी दोनों की पॉलिसीज के खिलाफ था, अकबर की और उसकी। इसने रूल ऑफ प्रॉफिट को जो इम्प्लीमेंट करवाया, आपको वाला काम खत्म करेगी, शराब नोशी हो रही है, जजिया माफ है, अखलाफ ना है। तो ये दो लिबरल है और ये जो है ये दो अगले जो है ये कंजर्वेटिव है और उसके बाद सारे अयाश है। हमने सिर्फ ये चार ही पढ़ने, उसके बाद बाकी के नाम याद रखने, थोड़े बहुत अगर रखने हो तो बाकी फिर थोड़ी सी हिस्ट्री में आपको उनकी बता दूंगा। तो ये रूल ऑफ प्रॉफिट्स जो है प्रॉफिट्स उनको इंप्लीमेंट करवा देता है और जजिया जिसे पीछे क्या कर दिया गया था खत्म कर दिया था उसने इम्पोज करवा दिया दोबारा। अभी बताता हूँ उसके ऊपर, बस वो बेटी के साथ उसको मिला के तालमेल। अभी वो दोनों का नाम नीचे लिखूंगा तो उस पे एक्सप्लेनेशन करना आसान है। औरंगजेब के तीन भाई हैं, दो बहने हैं, यानी कि चार भाई और दो बहने। भाइयों में औरंगजेब है, दारा है, सुजा है और मुराद है, तीन है। दारा, सुजा
मुराद ये भाई है जी, और बहनों में कौन कौन है जी, इधर ही देखते तुम, जहां आ रहा और क्वेश्चन आ रहा। ये जो शाहजहां है इन दोनों से, दारा से और जहां आरा से बहुत मोहब्बत करता है दोनों से, ठीक है, दारा से और जहां आरा से, शुजा बहुत लेर बहादुर आदमी है जी, और मुराद जो है पॉलिटिकली दम है, बेवकूफ है, ठीक है, और ये भाई तो फिर सबसे ज्यादा शातिर है, ये तीसरे नंबर पे था वैसे, दारा शुजा और तीसरे नंबर पे औरंगजेब और चौथे नंबर पे मुराद है। सोलह सौ उनसठ से लेके सत्रह सौ साठ तक अब सुने जी इसके साथ क्या हो अभी यही करो साथ क्या होगा अभी ये 1627 से 58 तक है और ये 1669 अभी वो जिंदा है। होता ये है जी ये वाले जो साहेब हैं औरंगजेब शाहजहां का ये होता है कि दारा जो है वो पावर में आ ठीक है और इसको ये सपोर्ट कर रही है जहां आ रहा ठीक है और इसके कंपटीशन में क्या है जी औरंगजेब का और रोशन आरा का नेक्सस है। शाहजहां इसे घर से बाहर ही रखता है, तू बाहर ही रह और अंदर की सारी खबरें रोशन आरा इसे पहुंचाती है ठीक है कि ये प्लान कर रहे हैं अब तुम्हारे खिलाफ, तो सारी खबरें इधर से आ रही है इधर, तो अल्टीमेटली जो है वो ये होता है कि ये साहब जो है अपने बाप को 8 साल के लिए कैद में डाल देता है, चलो तू तो सो ना तेरी तो मैं फिर, और इसकी जो खिदमत करती है वहां पे वो कौन करती है जहां 8 साल तक वो अपने बाप के साथ रहती है अंदर जेल में, तो दोनों बाप बेटी जो है वहां पे अपनी जिंदगी के दिन गुजारते हैं। जहांआरा और शाहजहां, शाहजहां किसका बाप है औरंगजेब का, औरंगजेब क्या करता है बाप को तो कर देता है जेल के अंदर और ये जो बाकी साहब बचते हैं इन्हें मरवा देता है। नीट एंड रोशन आरा तो फिर उसके साथ है ना, तो उसको क्यों पता है, तो फिर जहां आरा भी जेल में, वो जेल में जाके लेकिन उसको मरवाता नहीं है, जहां आरा इसलिए है क्योंकि उसे भी अपने बाप से बड़ी मोहब्बत है, तो वो बाप बूढ़ा है ओल्ड एज है तो इसीलिए यानी कि वो उसकी खिदमत कर रही है जेल के अंदर, यानी कि वही घर के अंदर ही उन्होंने प्रिजन बना दिया, तो वहां पे ये सब कुछ होता है। तीनों के तीनों माशाल्लाह करवा देता है, कितना नेक आदमी, और आगे मस्जिद में करवा रहा है, तीनों को मरवा देता है, उसको भी जाने दे क्या हो गया, उसने क्या करना है, ये भी और इधर से ये वाली इसके साथ और ये भी मर गया है, तो देन दोनों बह नहीं पाता, फिर उसके बाद ये नेकियां करना शुरू कर देता है, शराब पे पाबंदी लगा देता है, कहता है कत्लो हम नहीं करना, फलाना नहीं करना, और ये जो है मस्जिद ये भी इसी नहीं बनवाई, जो बादशाही मस्जिद है ये भी इसी नहीं बनवाई, मस्जिदें बड़ी बनवाई फिर बाद में, और इसके बारे में ये कहा जाता है कि इतना नेक आदमी था कि खुद टोपियों बनाता था, वो बेचता था और अपना गुजारा करता था, सर इसके बारे में ये भी कहा जाता है इसने ना कोई नमाज पढ़ी ना खाई छोड़ा, ये बड़ी अच्छी बात है, ये भी कहा जाता है इसने ना तो कोई नमाज पढ़ी, ये इतना तक नमाज भी छोड़ी और माशाल्लाह अच्छा इतना था कि कोई भाई भी सबको मरवाया, मैंने बता दिया इसके बारे में बड़ी अच्छी अच्छी बातें थी, और शराब को बिल्कुल आदमी दिखाता था और साथ में ये भी कहता था कि मैं अपनी टोपियां बचा बेच बचा दी, टोपियां बनाता हूँ और वो बेच के गुजारा करता हूँ,
और साथ में जो है इतने अच्छे अच्छे काम भी ये कर रहा है, देख ले कितनी डुप्लीसिटी है ट्रैक्टर के अंदर। हाँ दारा को तो मैंने आपको बताया है पहले ही, ये बेचारा जो है ये शुजा जो है ये दलेरी की तरफ ज्यादा था और ये थोड़ा सूफीज्म वालों को प्रमोट करता था ये भी, और इसके खिलाफ पता है इसने क्या किया, औरंगजेब ने फतवा दिलवाया उलमा के नाम से, जहाँ पे देखे रिलीजन को कैसे यूज किया जा रहा है फॉर पॉलिटिकल पावर, उलमा से ये कहा कि फतवा दो के दारा जो है ये वो स्टेट है, यानी कि दीन के साथ इसका कोई तल्लक नहीं है, सेकुलर आप कह सकते हैं यानी। तो उलमा कराम ने इसके डर से, ये जो नेक आदमी है जो कह रहा है कि मैं टोकिया बना के गुजारा करता हूँ, इसके डर से उन्होंने फतवा दे दिया, उन्होंने कहा कि ये पोस्टेड है दारा जो है, पहले इसके खिलाफ रिलीजन को भी इस्तेमाल किया। यहाँ शाहजहां का यहाँ पे एक आगे देख लीजिएगा कि कंस्ट्रक्शन जो है जितनी भी ज्यादा से ज्यादा वो किसने करवाई है, वो शाहजहां तक नहीं करवाई, ये शालामार बाग हो गया और वो जो है महल है ताजमहल अच्छा से इसके बारे में पता है क्या है, सुना है कभी आपने, इतना अच्छा आदमी था ये ताजमहल बनाने वाले, जब बना के बेचारे अभी नीचे ही उतरे तो उनके हाथ काट दिए, ये लिखा होगा, ये लिखा हुआ है सब होगा दोबारा तो बंद है ताजमहल और सारी कंस्ट्रक्शन। दारावास निकले पोस्टेड और उसके बाद जहां ये वाली सारी चीजें कंप्लीट हो गई, उसके बाद फिर ये करता है प्योर रिलीजियस इम्प्लीमेंटेशन भी, इस तरह कर रहा है रिलीजियस रिलीजनाइजेशन कर रहा है, रिलीजन को यूज कर रहा है एज ए पॉलिटिक्स, तो यहाँ पे इनके खिलाफ रिवोल्ट हो जाता है और वो रिवोल्ट कौन करते हैं, सिख, सिख अभी खालसा अपनी बना चुके हैं खालसा मिलिट्री, ठीक है खालसा मिलिट्री बना लिया सिखों ने और मराठों ने भी, और अंग्रेज भी अब पावर पकड़ रहे हैं, अंग्रेजों को भी आए हुए कितने दिन हो गए 1608 में आए, 1707 तो 100 साल तो उन्हें भी हो गया है, अब वो भी पेनिट्रेट कर चुके हैं, सिख भी अपनी मिलिट्री बना चुके हैं, मराठास भी अपनी जगह पे मजबूत हो चुके हैं और ये अब अयाश होना शुरू हो रहे हैं, तो अब डेफिनेटली इनका क्या हो जाएगा, डाउनफॉल होगा और उधर से राइज होगा इन तीन पावर्स का। किसने, मैं अभी बताता हूँ इनके ऊपर बात करता हूँ, अभी आगे इनको बताऊंगा, सिखों ने डॉज भी किया है 1857 के अंदर भी हमें डॉज किया बकायदा तौर पे, वो मैं उसकी बात करता हूँ। रिलीजियस थॉट्स इंपोज इसने कर दी और उसके बाद क्या है रिवोल्ट स्टार्ट हो जाते हैं, इंडिया के अंदर ज्यादा से ज्यादा जो हायर रैंक पे हैं वो सिख ही हैं, क्योंकि सिख मजहब वाले कहते हैं कि लड़ना जो है दिफा जो है उनके मजहब का हिस्सा है, नाम के भी कहते हैं कि हमें लड़ना नहीं है, आपको पता है ना 71 में जब हमने सरेंडर किया था तो किसके साथ साइन किया था, जाके देखना AAK नियाजी और उधर से कौन है, उस दिन भी मैंने बताया है, अगर यही चीज है हाँ तो अगर यही चीज है कि उनके रिलीजन में ही पीस है तो देन डेफिनेटली इतने हायर रैंक पे हमेशा जो है वो सिख ही क्यों रहते हैं, क्योंकि वो रिलीजन को फॉलो करते हुए कहते हैं कि ये हमारी जैसे जिहाद का कॉन्सेप्ट है ना हमारा, तो वो भी कहते हैं कि दिफा का कॉन्सेप्ट है वो रिलीजन का हिस्सा है, ना कि वो कहे कि रिलीजन से अपार्ट, ये खालसा मिलिट्री जी जी वो ज्यादा से ज्यादा यही ऊपर वाला जो है बालाकोट वाला और ये वाला रीजन पंजाबी भी थे इसमें ज्यादा से ज्यादा, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी
तो ये वाले अपर गुजरा वाला रीजन होता है ये वाला, और ये जो है तो क्या नाम है उसका, जब हम जाते हैं तो एबटाबाद वाला रीजन, यहाँ से आज भी अगर आप मिलिट्री के अंदर, पाकिस्तान की मिलिट्री के अंदर भी देखें तो ओवर पॉपुलेशन ही नहीं, चार रीजन की पश्तून है या फिर ये वाले रीजन के, ये वाले के, और साउथर्न पंजाब से बहुत कम है, सिंधी भी कम है, तो बलूची तो वैसे ही बहुत रेयर केसेस में है। तो इस तरह ये उस वक्त भी, तो ये वाला रीजन चूंकि ये हमेशा से जंगे लड़ता रहा है, इधर से अटैक होता था तो ये जी बिस्मिल्लाह, तब से पहले तो इनके साथ लड़ाई होती थी ना, तो ये फिर आगे से फाइट बैक करते थे, तो डेफिनेटली ये क्या है, इनके अंदर वो मिलिटेंसी वाला जो है फैक्टर वो ज्यादा रहा है। साउथ हमेशा क्या रहा है, थोड़ा पीसफुल रहा है, टर्बुलेंट तो रहता था लेकिन इतनी वॉर्स उससे नहीं लड़ी जितनी नॉर्थ वालों ने इस वाले रीजन में लड़ी, रिवोल्ट सिखिज्म ये वो हो जाता है। अब यहां से डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है मुगल्स, ठीक है, ये ग्रेट मुगल एम्पायर में भी आते हैं, ग्रेट किंग्स में आते हैं चार पांच जी जो ये हैं, इसमें बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, ये ग्रेट मुगल लीडर्स में आते हैं, और जहां से आगे ऑनवर्ड जो है वो डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है मुगल्स का। ऊपर लिखेंगे या इधर लिखेंगे, वो ये वाला स्ट्रक्चर नहीं बनेगा फिर, जो एरो वाला है यहाँ पे, कौन डाउनफॉल ऑफ मुगल, तो सबसे पहले तो यही देख लें कि सिविल वॉर्स इसमें बहुत सारी कॉजेज है जी, अगर आप लिखना चाहते, वैसे अगर कोई लिखना चाहता है लेटर मुगल्स में भी तो उनके नाम लिख सकते हैं, लेकिन कोई इतनी जरूरत नहीं है, बस ठीक है 1857 तक लेती है, और आखिरी जो है बादशाह वो कौन है, बहादुर शाह जफर, इतना बद नसीब है जफर कसन के तो कहाँ पे मरा था, म्यांमार, और वैसे गुरु ने भी बड़ी मजेदार चीजें की है, इसको ये कहा गया कि गुरु ने एक दिन कहा कि आपका स्पेशल ब्रेकफास्ट है, कल आपने नाश्ता नहीं करना, उसके बेटों के सर उतार के ट्रेन में रख के ऊपर से कवर करके उसके सामने पेश कर, तो ये होती है जब आप सर सरेंडर करना शुरू कर देते, आपकी अपनी एग्जिस्टेंस जो है ना वो आप खुद उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कवर और सर्वाइवल का जो कंसेप्ट है ये आपके अपने ऊपर लागू होता है, ना कि आप ये सोच के बैठ रहे हैं कि कहा बता मेरा कहा करेगा, ऐसा कभी भी नहीं होता, यू योर सेल्फ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर प्रोटेक्शन, ऑफकोर्स यही रियलिज्म के अंदर, यही स्टेट थ्योरी है, यही प्रोटेक्टिव पॉलिसीज में आता है, यही फॉरेन पॉलिसी के अंदर आता है, यही स्टेट सेंट्रिक फॉरेन पॉलिसी है, यही इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है, कि आप वो करें जो आपके लोगों के दिफा के लिए, जो आपके लोगों की बेहतरी के लिए, ठीक है, और ये वहीं से ही चला आ रहा है, क्लासिकल पीरियड देख लें, मिडिवियल पीरियड देख लें, या मॉडर्न इंटरनेशनल रिलेशन को पढ़ लें, जहां पे भी आप बात करेंगे सेल्फ प्रोटेक्शन, सेल्फ सर्वाइवल, स्टेट सेंट्रिज्म, पीपल ओरिएंटेड, ये सारी पॉलिसीज, ये वर्ड इसी तरह के यहाँ पे रिपोर्ट करने अपनी राइटिंग के अंदर, स्टेट सेंट्रिक पॉलिसीज, पीपल सेंट्रिक पॉलिसीज, या फिर पावर, सर्वाइवल, एक्जिस्टेंस, ये सारी चीजें क्या होती है हमेशा जहाँ पे रियलिज्म वाले ही बात करते हैं, यही बात इमरान खान भी पिछले दिनों में कह रहा था कि एक्चुअली क्या है, मुझे इलेक्ट किया है जिन लोगों ने, वो 220 मिलियन लोगों ने इलेक्ट किया है, ना कि अमेरिकन ने किया, हालांकि इन्होंने भी नहीं किया 220 मिलियन, वो तो किसी और ने इलेक्ट किया, लेकिन लोगों को यही बताता है कि 220 मिलियन ने इलेक्ट किया तो मैं सबसे पहले उनके लिए सोचूंगा, ठीक है, इंडिया के अंदर आप अगर इंडिया की फॉरेन पॉलिसी देखें तो कल मैंने बताया था कि चांदक्या उनका पोलिटिकल एडवाइजर है, तो उनकी पॉलिटिकल थॉट्स जो है वो चांकिया से ही ड्राइव होती है, तो चांकिया का जो है मैंने कल आपको बताया था, तो उसे इंडियन मैकियावेली भी कहा जाता है, तो उसको इंडियन मैकियावेली इसीलिए कहा जाता है, वो रियलिस्ट थॉट का मालिक था, वो ये कहता है कि स्टेट सर्वाइवल जो है वो टॉप प्रायोरिटी है, और स्टेट सर्वाइवल के लिए आपको जितने कदम करने पड़ते हैं कर दे, कोई बात नहीं, स्टेट को ना हर्ट होंगे, ठीक है, अभी जब जयशंकर ने ये कहा कि इंडिया ने हम इनसे ऑयल लेंगे रशिया से, तो अब इंडिया जो है वो क्या है, वेस्टर्न ब्लॉक का हिस्सा है, पता है ना आपको, क्वाड के अंदर क्या है, वेस्टर्न ब्लॉक का हिस्सा है, क्वाड में बकायदा तौर पे ये अनाउंस कर चुका है, उसके बाद I2U2 के अंदर जहां पे इंडिया, इसराइल, यूएई और यूएसए, वहां पे भी क्या है,
वेस्टर्न लॉ का हिस्सा है और अब इसकी पॉलिसी प्रो वेस्टर्न पॉलिसी जा रही है बड़े अच्छे से थाउजेंड से शिफ्ट है उनका वो हमने पाकिस्तान की फॉरन पॉलिसी से देखा था अभी वैसे जो लोग नए आए वो भी कंफ्यूज ना हो जाएगा क्योंकि इसके बाद करंट अफेयर स्टार्ट करेंगे तो वो यहाँ पे आके डिस्कस हो जाएगा जिन्होंने कर लिया है उनके लिए थोड़ी आसानी है अब चीजों को समझने के लिए इनके लिए भी कोई इतना मुश्किल नहीं है बाद में जाके ये मर्ज हो जाएगी चीजें तो वहां पे अब इंडिया क्या कर रहा है प्रो वेस्टर्न पॉलिसीज अडॉप्ट कर रहा है लेकिन जब सेल्फ इंटरेस्ट की बात आई जब बिजनेस की बात आई जब इकोनॉमी की बात आई जब बेटरमेंट ऑफ देयर ओन पीपल की बात आई तब उसने क्या कहा है कि मैं ऑयल जो है वो इम्पोर्ट करूंगा रशिया से जब उन्होंने ये पॉलिसी अडॉप्ट की तो बीबीसी ने उसके ऊपर जो है क्वेश्चन रेज किया उन्होंने कहा कि भाई आप पार्ट तो हो वेस्टर्न ब्लॉक का लेकिन आपकी जो पॉलिसीज है वो प्रो वेस्टर्न है तो ये तो एक्सेप्टेबल नहीं है वहां पे जयशंकर ये बात करता है कि एक्चुअली जो हमारी पॉलिसी है आवर फॉरन पॉलिसी इज फॉर आवर ओन पीपल नॉट फॉर द यूरोपियंस नॉट फॉर द अमेरिकंस बिकॉज अमेरिकंस एंड यूरोपियंस बिलीव दैट देयर प्रॉब्लम इज द वर्ल्ड प्रॉब्लम बट आवर प्रॉब्लम इज नॉट देयर प्रॉब्लम इस तरह की वो लाइन बोलता है कहता है कि अमेरिकन और वेस्टर्न ये यकीन रखती है कि जो हमारा मसला है वो पूरी दुनिया का मसला है लेकिन जो इंडियंस का पाकिस्तानी का या फिर चाइनीज का मसला है वो उनका अपना मसला है सो वी विल डू व्हाट इज इन बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ आवर ओन नेशन ये पॉलिसी और ये पॉलिसी कहां से आ रही है वही लीगलिज्म से वही सेल्फ सेंट्रिज्म वही स्टेट सेंट्रिज्म वही पीपल ओरिएंटेड अप्रोच का समझ आई कि नहीं मेरी बात इस तरह ये फॉरेन पॉलिसी बनती है लेकिन हमारी फॉरेन पॉलिसी हमेशा से पार्शियल और फॉरेन कंट्रोल्ड रही है और अगर जो लोग ये कहते हैं कि फॉरेन इंटरवेंशन नहीं होती फिर उन्होंने कभी पाकिस्तान की हिस्ट्री को पढ़ा नहीं है पाकिस्तान की छोड़ लें पूरी दुनिया में देखें बिकॉज पावर जो है ना विदाउट आप कह सकते हैं डुप्लीसिटी वो आप अटेन नहीं कर सकते बगैर साजिश के आप अपने आप को दोनों काम करने पड़ते हैं आपको फाइट भी करना पड़ता है आपको साजिशें भी करना पड़ती है तो पूरी दुनिया के अंदर आप देख हिमालय के अंदर इसमें इंटरवेंस की है तो अभी बताऊंगा क्यूबा के अंदर इन्होंने इंटरफेरेंस की है गुटमाले वाला चिली वाला देन उसके बाद इधर इराक के अंदर इन्होंने किया देन इन्होंने पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर किया देन इन्होंने यहाँ पे कोरिया के अंदर किया वियतनाम के अंदर किया इन्होंने देन ये नीचे वाले जो है स्टैंडर्ड के साथ इन्होंने किया इधर ऑस्ट्रेलिया वाले रीजन में इधर इसमें न्यूजीलैंड वाले रीजन में उधर अमेरिका साउथ अमेरिका के अंदर और इधर ये अफ्रीका के अंदर ऊपर ईस्टर्न यूरोप के अंदर तो हर जगह पे इन्होंने पेनिट्रेशन की है हर जगह पे अभी यूक्रेन वॉर क्या है वही इंटरवेंशन का इशू है ना ये वेस्टर्न इंटरवेंशन होगी यूक्रेन में तो थ्रेट किसको होगा रशिया को होगा तो ऑफकोर्स यही डिप्लोमेसी है यही चाले हैं और यही ये करना चाहते हैं तो स्टेट सेंट्रिज्म फॉरेन पॉलिसी या फिर पीपल ओरिएंटेड फॉरेन पॉलिसी या फिर क्या होता है कि ओन इंटरेस्ट या सेल्फ इंटरेस्ट नेशनल पॉलिसी का बेसिक पिलर रहते हैं हमेशा और ये सारी चीजें जहां से भी हमें ड्राइव करके नजर आती है वो एंशिएंट हिस्ट्री हो वो मिडिवियल हिस्ट्री हो वो प्रेजेंट है समझ आई मेरी बात नहीं अब यहाँ से डाउनफॉल स्टार्ट होता है किन का मुगल्स का नौ बजे वैसे पांच सात मिनट और ले लें तो इसमें बहुत सारे रीजन है ये क्वेश्चन वैसे आ जाता है अगर ये आप लिखना चाहते हैं तो लिख लें उधर मैं लिखूंगा तो थोड़ा टाइम लग जाएगा तो आप डायरेक्ट मैं आपको बता दूं तो आप लिख लें क्योंकि एक्सप्लेनेशन भी मैं साथ साथ बताऊंगा ये वैसे रिजल्ट आपको आपको उसमें नहीं मिलेंगे बाजार वाले ये तीन चार हफ्ते मैंने इनको रीकलेक्ट करके यहाँ पर लिखा है तो ये आप जो है अपने एसे के अंदर बहुत ज्यादा आपको अर्गुमेंट देते रहेंगे ठीक है मुस्लिम का डाउनफॉल की बात करनी हो या कैसे इवॉल्व होती है ये नेशनल पॉलिसी के अंदर नेशनल फॉरेन पॉलिसी के अंदर हर जगह पे ये पॉइंट्स आपको काम देंगे सबसे पहला पॉइंट आपने यहाँ लिखा है मार्च ऑफ डिस्कवरीज एंड इन्वेंशन तो उधर देखें अब यहाँ पे कंपैरिजन में करके दूंगा वैसे लास्ट पीएमएस के अंदर उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि कंपेयर यूरोपियन हिस्ट्री विद द मिडिवियल हिस्ट्री ऑफ इंडो पैसिफिक रीजन या इंडिया की जो मिडिवियल हिस्ट्री है उसका कंपेरिजन करके दो ब्रिटिश हिस्ट्री के साथ या यूरोपियन हिस्ट्री के साथ ये पूरा एनालिसिस मैं आपको जाकर देता हूँ अगर किसी को जल्दी है तो जा सकते हैं लेकिन अगर कोई बैठना चाहे तो मार्च ऑफ डिस्कवरीज एंड इन्वेंशन लेकिन ये पूरे लेक्चर का क्रक्स है ये सारी स्टोरी इसीलिए बताई थी कि ये सारी चीजें एक्सप्लेन कर सकते तो पहली बात क्या है कि उधर वेस्ट के अंदर क्या हो रहा है डिस्कवरीज हो रही है इन्वेंशन हो रही है
पॉलिटिकल फ्रीडम मिल गई है, इंटेलेक्चुअल फ्रीडम मिल गई है, लेकिन इधर क्या हो रही है, साजिशें हो रही है, कॉन्स्पिरेसीज हो रही है, फैट्रिसाइड हो रहा है, भाइयों को मारा जा रहा है, पावर पॉलिटिक्स चल रही है, सिविल वॉर्स चल रही है। तो सबसे पहला डाउनफॉल की रीजन क्या है, उधर वाले ग्रो कर रहे हैं, इधर वाले अपनी जगहों से ही बाहर नहीं आ रहे। सो दैट वॉज द बेसिक रीजन ऑफ डाउनफॉल ऑफ द मुगल एम्पायर इन द सब कॉन्टिनेंट रीजन। दूसरा जी मर्चेंट्स बैक स्ट्रॉन्ग नेशन स्टेट, मर्चेंट्स बैक स्ट्रॉन्ग नेशन स्टेट। वेस्ट में क्या हो रहा है, वेस्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है एक्चुअली वो क्या प्रमोट कर रही है, वेस्टर्न एजेंडा को प्रमोट कर रही है, ब्रिटिश एजेंडा जो है उसको प्रमोट कर रही है। तो यानी कि रूल करने के लिए, दुनिया के ऊपर रूल करने के लिए मर्केंटलिज्म को यूज किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे हमारी ट्रेड क्या थी, वो सेल्फ सेंटर्ड थी, थोड़ी बहुत थी, यानी कि बाकी तो इतनी ज्यादा थी नहीं, और जितनी थी वो क्या थी, इंडिविजुअल लेवल पे थी, वहां पे स्टेट सेंट्रिक ट्रेड हो रहा है, और वो सारी पॉलिसीज किसकी इंप्लीमेंट की जा रही है, ब्रिटिश एम्पायर की, ठीक है। तो इसीलिए ब्रिटिश का एक्सपेंशन हो रहा है, मर्चेंट जहां पे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी ना, बाद में ये आया ना, तो पावर गेन किया ना उन्होंने किसके जरिए से, ईस्ट इंडिया कंपनी से, तो कैसे मर्चेंट को यूज कर रहे हैं फॉर देयर पोलिटिकल इंटरेस्ट। यहाँ पे हमने ऐसा नहीं किया, हमने कोई एम्पायर नहीं बनाई, हमने कोई यानी कि अपने वो जो है बिजनेस टाइकून नहीं बनाए इतने जो जाके बाहर के बिजनेस करें और देन हम उनको एक्सप्लॉइट करके पावर गेन करें, इस तरह की यहाँ पे मर्चेंट्स बैक स्ट्रॉन्ग नेशन, उन्होंने बैक किया उस नेशन को, यूके जो है ब्रिटेन जो है, वो सचिन तरूर इसके अंदर क्या वो बोलता है, कोट कहता है कि सन नेवर सेट्स ब्रिटिश एम्पायर बिकॉज God never trust English in darkness, ठीक है। तो ये बड़ी लाइन अच्छी बोलता है, कहता है कि ये जो गोरे कहते हैं ना कि सूरज कभी गुरु भी नहीं होता था ब्रिटिश एम्पायर की तरफ, तो वो कहता है इस पे ये वैसे बड़ा जोक मारता है उनके घर में खड़े होके, तो कहता है कि ये इसलिए सूरज गुरु नहीं होता था कि अंधेरे के अंदर तो खुदा भी इन पे यकीन नहीं करेगा, ये लूट लेंगे। तो ये इस लाइन का मतलब ये बना, यहाँ पे सिर्फ जो बिजनेस हमारा था वो ये था कि स्मॉल बिजनेसेस के आगे मैं बात करता हूँ, इसी पेपर को क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। स्टेट एंड रिलीजन वर सेपरेटेड इन वेस्ट, और यहाँ पे क्या है अभी तक वही रिलीजियस वॉर चल रहा है, वहां पे चर्च रूल जो था उसको क्या कर दिया है मैग्ना कार्टा के बाद खत्म, वो भी हमने हिस्ट्री में पढ़ा है मैग्ना कार्टा वाला और सारा वो जान। तो मैग्ना कार्टा साइन होता है, पावर्स ट्रांसफर होती है फ्रॉम किंग फ्रॉम चर्च टू पीपल, ठीक है। विल ऑफ द गॉड से किधर चले गए वो लोग, विल ऑफ द पीपल की तरफ चले गए हैं, लेकिन यहाँ पे अभी भी क्या है रिलीजियस वॉर्स चल रही है, रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स यहाँ पे मौजूद है। तो अगेन यहाँ पे हमारी जो डिसइंटीग्रेशन है इस रीजन की वो किस पे बेस कर रही थी, हिंदुइज्म के ऊपर, इस्लाम के ऊपर, सिखिज्म के ऊपर और एथनिसिटीज के ऊपर, ये मराठा है, ये सिख है, ये हिंदू है, ये जो है वो क्या नाम है हमारी जो कास्ट सिस्टम था वो जट है, ये फलां है और ये राजा है, ये सारी हमारी डिसइंटीग्रेटेड सोसाइटी थी। और उधर क्या था, एक इंटीग्रेटेड सोसाइटी है, यानी कि जहाँ पे रूल ऑफ लॉ की बात हो रही है, जहाँ पे रूल ऑफ द पीपल की बात हो रही है। तो इस वजह से जहाँ पे डिसइंटीग्रेशन थी तो इसको एक्सप्लॉइट किया कि उन्होंने ब्रिटिश ने। चौथा जो पॉइंट है वो टेक्नोलॉजिकल गैप है, यहाँ पे इन्वेंशन नहीं हो रही, कम इन्वेंशन हो रही है, बहुत रेयर इन्वेंशन है, और उधर यूनिवर्सिटीज ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज और इस तरह की जो रेगुलर फॉर्मल एजुकेशन है वो वहां पे जो है वो इम्प्लांट की जा रही है। और इधर क्या है एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन है, मदरसा सिस्टम है जी, वो जो है हमारी सिर्फ रिलीजियस एजुकेशन के ऊपर ही बिलीफ है, हम साइंस की तरफ अभी बात ही नहीं करना चाहते। और वो इतनी लंबी हमारी, अभी मैं जब 80 आपकी सारी बेस बना रही है, ये सारी चीजें 1857 की वॉर की जो है वहां से क्वेश्चन आता है, तो वहां पे ये सारे आप लोगों से हट के लिखिएगा ये चीजें, तो दैट एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। तो वहां पे क्या है एक्चुअली वही तो 300-400 साल की हिस्ट्री है जिसकी वजह से हमने इंग्लिश को जो है रिजेक्ट किया था, हालांकि रिलीजन के अंदर ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बताऊंगा आगे जाके रूमी कब की सारी लैंग्वेज
हजूर सलम के दौर में सीखे थे साबा कराम ने, तो रिलीजन को मिस इंटरप्रेट किया गया था। और इस 3-4 साल के पीरियड के अंदर 300 साल का या 200 साल का जो पीरियड है, इसमें हमारे दिमाग इतने वाइट वॉश किए गए थे कि हम कह रहे थे कि हमने कोई फॉरेन लैंग्वेज नहीं सीखी। ठीक है, तो जब फॉरेन लैंग्वेज नहीं सीखेंगे तो टेक्नोलॉजिकल गैप तो आएगा, क्योंकि इंग्लिश की बुक तो आप पढ़ना ही नहीं चाह रहे, ग्रीक्स को भी आप नहीं पढ़ना चाह रहे, तो आप पढ़ना नहीं चाह रहे तो लर्न कैसे करेंगे? तो सारा कुछ फारसी में आप न्यूटन ला तो आपको थोड़ी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो या तो फिर इतने माहिर हो तो फिर आप उसको कन्वर्ट कर लो, वो भी नहीं कर रहे, क्योंकि उन किताबों को तो हाथ लगाना ही गुनाह समझा जाता था। इंग्लिश की किताब को टच करने से भी 2 दफा वुजू कर गया था। ठीक है, इस तरह की फारसी लोग याद में आगे बताता हूँ मैं इनके साथ। ठीक है, ये 4 पॉइंट। उसके बाद जो था स्टैटिक विलेज एंड कंसेप्ट ऑफ मिनिमम प्रोडक्शन, वहां पे क्या हो रहा है जी, अंपायर्स जो टाइकोन है वो हो रहा है, वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है एक्सेसिव लेवल पे, और यहाँ पे क्या है वही विलेज वाला खड्डी वाला सिस्टम जो है, यहाँ पे अभी भी हम मिनिमम लेवल के ऊपर प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो वो जहाँ पे हम बहुत स्टैटिक विलेज एंड मिनिमम प्रोडक्शन जहाँ पे, और उधर वेस्ट क्या कर रहा है, उधर सारी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है। 1750 में ब्रिटिश के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट होता है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहाँ से स्टार्ट होता है? फ्रांस से, ब्रिटिश के साथ। 1750 में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, वर्कशॉप ऑफ द यूरोप भी कहा जाता है इसे, ब्रिटिश को, सारी वहां पे ये प्रोडक्शन कर रहे हैं 1750 के बाद। स्टैटिक विलेज से क्या मतलब, स्टैटिक विलेज का मतलब ये है कि माइक्रो लेवल पे हमारी प्रोडक्शन है, जैसे हम आज भी वो एम्ब्रॉयडरी वाली छोटी छोटी जो दरियां दुनिया बना लेते हैं और वो कपड़ा और मलमल ये वो, तो हमने अपने जो बिजनेस है उसको एक्सपैंड नहीं किया। उधर क्या मिल्स बांट रहे हैं, लूम्स रहते हैं, लूमिंग हो रही है जहाँ पे वो चीजें नहीं है, स्टैटिक विलेज आ रही है, कंजर्वेटिव है ना। उसने मैंने बताया ना जब चीज की बात की थी, जो ऑर्थोडॉक्स सोसाइटीज होती है वो चीज को हमेशा दो क्लासेज है कार्ल मार्क्स की डिवीजन में, एक कौन सी है, और दूसरी क्या है, वर्किंग क्लास। ये मैं वैसे कहीं जाके आपको बताऊंगा, सोशल इनइक्वालिटी के अंदर बोर्जुआज या कैपिटलिस्ट क्लास किसे कहते हैं। और दूसरी तरफ वर्किंग क्लास, ये एक्चुअली बेस है किसकी, कार्ल मार्क्स की जो सोशल कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी है उसकी। पढ़ी है किसी अभी तक तो नहीं, पर लिख लिया उसकी थ्योरी का नाम, सोशल कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी। कार्ल मार्क्स का बड़ा नजरिया है, मशहूर है कार्ल मार्क्स का। तो वहां पे वो कहता है कि हमारी सोसाइटी 2 लेयर के अंदर डिवाइडेड है, जो वर्किंग क्लास है वो सारा दिन काम करती है लेकिन उसको मिलता कुछ भी नहीं है, सारे का सारा पैसा किसके पास जा रहा है, बोर्जुआज के साथ। तो ये सोशल कंफ्लिक्ट के लिए, और वो यही कहता है, और इनको वो कहता है कि जो ओपियम है रिलीजन जो है वो उसको एक्सप्लॉइट करके दिया जाता है। इन्हें कहा जाता है कि आपको अल्लाह ताला ने गरीब पैदा किया है, तो वो कहता है कि रिलीजन इज द ओपियम ऑफ द पुअर्स, या जो भी है फॉर द पुअर्स, रिलीजन इज ओपियम फॉर द ओपियम, और ये कहता है कि सोसाइटी जो है उस दिन बेहतर हालत में होगी जब ये वर्किंग क्लास इसके खिलाफ खड़ी हो जाएगी, तो इसे वो कार्ल मार्क्स का रेवोल्यूशन भी बोलते हैं। इसकी एलियनेशन के साथ में थ्योरी है, वो भी पढ़ने में दो नाम निकलेंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट है ऐसे के अंदर, आपको बहुत ज्यादा आपको तो आनी चाहिए, बड़ी इंश्योरेंस के अंदर एलियनेशन, तो ये सारी वहां पे है। अगर किसी सोशल वर्क सोशियोलॉजी करता है तो वहां भी पॉलिटिकल साइंस के अंदर भी पढ़ेंगे, IR के अंदर भी देखेंगे। ये है
इसकी सोशल कंफ्लिक्ट थी और दूसरी जो है वो एलियनेशन किसके साथ, ये वहां पे अभी मैं बता रहा हूँ उधर देखे जब वो जो है क्लास वहां पे बनी और यहाँ पे ऐसी कोई क्लास नहीं थी तो वो जो है क्लास का ऑब्जेक्टिव क्या था, अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना है तो उनके लिए ये मार्केट थी, ठीक है। उस मार्केट के लिए वो क्या करते थे, लॉ मेकिंग करवाते थे किंग से और अपनी एक्सपोर्ट यहाँ पे लेके आते थे ज्यादा से ज्यादा। तो वो जो शशि थरूर कहता है कि एक मिनट, वो जो कहता है कि ईरा ऑफ डार्कनेस के अंदर के वो जो 30% एक्सपोर्ट कर रहे थे हम, वो हमारा एक्सपोर्ट कितने पे आ चुका है, 4% के करीब आ चुका है। कहता है जब ब्रिटिश ने अटैक किया था उस वक्त जो ये इंडिया है यानी कि सबकॉन्टिनेंटल इंडिया है, इसकी जो वर्ल्ड जीडीपी में इसका कितना था, 24 के करीब था। अब इसको उधर ही होके आती है ये उन्हें वापस, लेकिन जो है इधर लेकिन जो इनका है वो कितना है जी, अब लास्ट पे जाके कितना हो गया है, 4% हो गया। उसके बाद जी आगे जो है अनसर्टेनिटी ऑफ सक्सेशन है, यहाँ पे उधर पावर ट्रांसमिशन कैसे हो रही है, एक लीगल वे से हो रही है, और यहाँ पे कैसे हो रही है जी, एक को मार के दूसरा, दूसरे को मार के तीसरा, तो यहाँ पे ये चीज हो रही है जी। ये नेक्स्ट पॉइंट है द अनसर्टेनिटी ऑफ सक्सेशन, यहाँ पे अनसर्टेनिटी है कि पावर कैसे, कोई पावर मैकेनिज्म ही नहीं बनाया कि पावर ट्रांसफर कैसे करनी है, लेकिन वहां पे पार्लियामेंट आ गई है तो पीपल डिसाइड करेंगे कि किसने रूल करना है, यहाँ पे ऐसा कोई मैकेनिज्म अभी तक नहीं है। ग्लाइंडिंग एंड फैक्ट्रीसाइड, ये पॉइंट भी लिख लें, भाइयों को कोई अंधा किया जा रहा है, कोई मारे जा रहा है, तो यहाँ पे सिविल वॉर टाइप की सिचुएशन है, हर दफा जब कोई बादशाह बदलना है आर्मी चीफ की तरह तो पता नहीं क्या होता है। फ्रेटरीसाइड एंड ब्लाइंडिंग, जब ब्लाइंडिंग एंड फ्रेटरीसाइड, FRATRICID, फ्रेटरीसाइड बस जल्दी जल्दी देखते हैं उसके बाद खत्म करते हैं। कंडीशन टू वायलेंस थी, या वायलेंस था यहाँ पे थी, वही अगेन कंडीशन टू वायलेंस, वाइड वायलेंस था यहाँ पे, हाँ जी बिल्कुल बता तो रहा हूँ कि जब भी कोई बादशाह ने, अगले बादशाह ने आना होता था तो एक दफा सारा हंगामा होना जरूरी होता था, तो जब ये सब पब्लिक के लिए रूल ऑफ लॉ ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है, कोई यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, कोई फंडामेंटल राइट्स का कंसेप्ट नहीं है यहाँ पे अभी तक, ठीक है। तो ये सारी चीजें जब हो रही है तो डेफिनेटली वो नुकसान किसके लिए जा रहा है, अगला बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो कहता है कि स्टैटिक हॉर्डिंग बेनिफिट्स नो वन, यानी कि यहाँ पे सारा टैक्स कलेक्ट करके क्या कर रहे हैं, अपनी तिजोरियां भरे जा रहे हैं, उससे कोई सिविक सर्विसेज नहीं दे रहा है। लेकिन वेस्ट में क्या हो रहा है, टैक्स कलेक्शन होती है तो वहां से एक्सपोर्ट को पैसा दिया जा रहा है, कैम्ब्रिज को पैसा दिया जा रहा है, लोगों के ऊपर इन्वेस्ट किया जा रहा है। स्टैटिक हॉर्डिंग, हॉर्डिंग आपको पता ही है जखीरा अंदोजी, यानी लोगों से पैसा लेके आपको मिल रहा है, तो लोगों से पैसा लेके किसको दे रहे हैं, सारे का सारा अपने जो तिजोरी है उनको भर रहे हैं। लेकिन वेस्ट वाले क्या कर रहे हैं, वो जो टैक्स कलेक्शन करते हैं वो लोगों पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वहां पे सिविक लाइफ इंप्रूव कर रही है, ऐसे नेशन वो ग्रो कर रहे हैं, और यहाँ पे क्या हो रहा है जी, ऐसी कोई चीज नहीं हो रही, तो डेफिनेटली नेशनल इंटीग्रेशन यहाँ पे डाउन होने जा रहा है। स्टैटिक हॉर्डिंग बेनिफिट्स नो वन, बस मोती हीरे जवाहरात इकट्ठे करते रहे, आगे नहीं कोई इन्वेस्ट नहीं करना, देख ले फिर वो जब पावर आती है तो डेफिनेटली। आगे जी एक पॉइंट और भी लिखिएगा, नेटिव विलेज वर्सेस डिसिप्लिन, फॉरेन डिसिप्लिन, ये पॉइंट नेटिव विलेज बहादुरी वाला वी ए एल ओ यू आर विलेज और उसके साथ फॉरेन डिसिप्लिन, यहाँ पे बहादुरी बहुत ज्यादा है लोगों के पास लेकिन कोई ऑर्गेनाइज्ड आर्मी जो है वो नहीं है उनके पास, उन्होंने मिलिट्री एकेडमीज बना ली है, वहां पे गन पाउडर का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है और साइंटिफिक टूल्स को यूज करना शुरू कर दिया फॉर पॉलिटिकल पावर, तो यहाँ पे जब गोलियां चलती हैं तो ये वैसे सारी बहादुरी खत्म हो जाती है, जब बंदे मरना शुरू होते हैं तो वो कहते हैं कि ये तो अब दुनिया ही और तरफ चली गई,
मैसूर के अंदर में सुनी। ये पॉइंट है राइज ऑफ सिक्स, आखिरी पॉइंट है राइज ऑफ सिक्स, मराठास और जाट या जट जिन्हें कहते हैं, और इस तरह हम एक एक्सपोर्टिंग रीजन से क्या बन जाते हैं, एक इंपोर्टिंग रीजन बन जाते हैं। ये भी आप लास्ट का पॉइंट लिख दीजिएगा। तो फ्रॉम क्यों पिछले वाला, फ्रॉम एक्सपोर्टिंग नेशन टू एन इंपोर्टिंग कंट्री, पहले जो 30% एक्सपोर्ट कर रहे थे आज कहां पे आ गया है वो 4% के ऊपर। लिटरेसी रेट कितना है 7% के करीब खड़ा, 6-7% अगर गोरे यहाँ पे आए हुए हैं, तो यहाँ पे कोई एजुकेशन के ऊपर काम नहीं किया हुआ था, तो वहां पे लिटरेसी रेट उस वक्त भी 30 के करीब था राउंड अबाउट, तो यहाँ पे उस वक्त भी 7 के करीब था, आज उनका 99 के करीब है, और आज हम फिर भी 70-75 साल के बाद भी 62 पे खड़े हैं। ठीक है, तो इस तरह ये सारी चीजें। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस एंड नाम बच्चे नवा।